मान ले रहे हैं, मगर मालिक कभी भी टाइम पे नहीं आते हैं। 5 साल से क्यों बर्दाश्त कर रहा है भाई? उसकी एक वजह है, माँ कह रही थी कि बेटी की शादी ड्राइवर से करवाएगी, लेकिन कितने ही ड्राइवर आए और गए, पर किसी की भी शादी नहीं हुई। शादी होगी भी कैसे, सब बकवास थे। सही कह रहे हो, पर तू क्यों टेंशन लेता है? उसकी एक और बहन है ना, हम उसे देख लेंगे। प्रिया प्रिया देखो बगीचे में कितने फूल लगे हैं। विश यू ऑल द सक्सेस। थैंक यू। नमस्ते, आइए आइए आइए। आप तीनों को देखकर लगता है जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात पधारे हों। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई, हम तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। प्रिया ये मेरी लाडली पोती है। इतनी सी थी, कितनी बड़ी हो गई। मिस्टर रमेश एक बात कहूं, प्रिया तुम लोगों के साथ ऐसे लग रही है जैसे रावण की लंका में राक्षसों के बीच में साक्षात सीता खड़ी हो। जो किया। आइए आइए राजा। यस डैड। कम हियर कम हियर। डियर फ्रेंड्स, ये मेरा बेटा राजा है, इसने नई सॉफ्टवेयर कंपनी खोली है, इसी खुशी में आज मैं ये पार्टी दे रहा हूँ। और एक बात, मैंने मेरे बेटे के लिए एक खूबसूरत सी लड़की पसंद की है, उसके भी घर वाले यहीं पर हैं, रिश्ता पक्का होता ही मैं आप सबको बता दूंगा। भाई वो लड़की कौन है? कौन है? बताता हूँ कौन है, प्रिया। माँ जी ये रिश्ता मंजूर है? हम सब राजी हैं, आपसे रिश्ता जुड़ेगा ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिया, लड़का भी अच्छे घराने का है, तुम्हें पसंद है ना? प्रिया को ले जाओ और अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराओ। ओके। जाओ बेटी। आ! पिंकी, पहले देख तो ले किसकी कमर तोड़ रही है। आज तो मैंने सोच लिया है तेरी कमर मैं तोड़ दूंगी। क्यों क्या हुआ? तू मेरी दोस्त है? दोस्त है या दुश्मन? पिंकी मुझे भी नहीं मालूम ये कैसे हुआ। कैसे हुआ? पता है वो लड़का इतना पैसे वाला और घमंडी, किसी लड़की को लड़की नहीं समझता, उसके लिए तो जैसे लड़कियों की कोई इज्जत ही नहीं, उसकी नजरों में तो वो बस एक मजाक है। सच में शादी से पहले सब लड़के ऐसे ही होते हैं, शादी के बाद सुधर जाते हैं। इतनी बातें कर रही है तो तू शादी के लिए राजी कैसे हुई? इतने लोगों में अगर मैं मना कर देती तो हमारे परिवार की इज्जत नहीं रहती। हेलो, अगर तू अपने भाइयों की सुनती रही ना तो एक ना एक दिन तू जरूर बर्बाद हो जाएगी। मुझे एडजस्टमेंट करने की आदत नहीं है। पिंकी ये शादी तो रुकवानी है। यस, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने एक्सपोर्ट के सारे ऑर्डर डिस्पैच करवा दिए हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आई एम वेरी सॉरी। ओके ठीक है। दिखाई नहीं दे रही है प्रिया। हाँ भैया आती हूँ। जल्दी आओ बेटा। चलो चलो फटाफट सब लोग खाओ, क्या चाहिए तुम्हें? पृथ्वी डाइनिंग टेबल पर बिजनेस की बातें मत ऐसा करो। नहीं करते, बाद में कर लेना। प्रिया हाँ? क्या सोच रही हो? उसकी शादी की बात चल रही है ना, वो यही सोच रही है। प्रिया शादी के वक्त लड़की कैसी दिखती है पृथ्वी से पूछो। जब इसकी शादी हुई थी तो इसकी बीवी बहुत सुंदर पतली दुबली थी, लेकिन अब खा खा के मोटी हो गई है। बीना अच्छा मेरी सहेली सुनीता है ना? हाँ, डॉक्टर शर्मा की बेटी। क्या हुआ डाला है? हाँ, उसकी एंगेजमेंट हो गई ना। संतोष अच्छा। की ना, अरे उसकी शादी में कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट आए थे, कितनी अच्छी शादी हुई थी धूमधाम से। तुम मुंह बंद रखो। हाँ बेटा तुम। भैया बात ये थी, सुनीता इस एंगेजमेंट से खुश नहीं थी इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। मर्जी नहीं थी तो ना कह देना था, सुसाइड करने की क्या जरूरत थी? वो जिस लड़के से प्यार करती थी उस लड़के से उसकी एंगेजमेंट नहीं हुई, किसी दूसरे से सगाई हो गई तो उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। किसी दूसरे से शादी करने से अच्छा उसने मर जाना समझा, अपनी जान दे दी।
प्यार करना कोई गुनाह नहीं, प्यार को छुपाना गुनाह है। मैं यही कहना चाहती हूँ, आपने जो मेरा रिश्ता तय किया है वो मुझे पसंद नहीं। हा? क्या प्रिया, तुम मजाक कर रही हो क्या? भैया मैं सीरियसली कह रही हूँ, वो लड़का मुझे पसंद नहीं। क्या बात है प्रिया, क्यों दिलचस्पी नहीं? भैया मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। चलो बच्चों, तुम दोनों जाओ। ठीक है। प्रिया, जब हमने लड़का पसंद किया तभी तुम्हें कह देना चाहिए था। आज तक मैं आप लोगों के खिलाफ नहीं गई, अगर उस वक्त खिलाफ हो जाती तो आपकी इज्जत नहीं रहती, इसीलिए चुप रही। अच्छा प्रिया, तुम जिससे प्यार करती हो उसका नाम तो बताओ। उसका नाम कृष्णा है, मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है। आज के प्यार पर इसे इतना भरोसा है कि हम तीनों भाइयों से भी ज्यादा प्यारा है वो प्रिया को। Really, he is great. अच्छा, तुम खाना खाओ। भैया मैं अपने कमरे में जाकर खाना खाती हूँ। जाओ जाओ। ओके। बिल्कुल जाओ। प्रिया। हाँ भैया। गोकुल अष्टमी के दिन अपने कृष्णा को लेकर आना। ठीक है भैया। हे भगवान, मेरा काम तो हो गया। आप सब लोग यहाँ टीवी सीरियल छोड़कर यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं आप लोग? वैसे तुम्हारी लव स्टोरी में ज्यादा इंटरेस्ट है ना? मेरी लव स्टोरी में? तुम्हारे तीनों भाई तुझे इतना प्यार करते हैं उनकी कोई अहमियत नहीं, और वो कल का लड़का बड़ी अहमियत है उसकी। क्यों प्रिया, वो लड़का जिसे तुम प्यार करती हो क्या हमें उससे नहीं मिलवाओगी, या फिर कोई सीक्रेट बात है? नो 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 नो, अभी तो बिल्कुल नहीं। आहा, जिसे तुम प्यार करती हो क्या वो सुपरमैन है? हाँ। क्या वो स्पाइडरमैन है? नहीं, वो तो असली एक्शन हीरो है, इसीलिए तो आंटी को इतना अच्छा लगता है ना आंटी? तेरी आंटी को उसी एक्शन हीरो की तलाश थी। पहले वो मेरे सपनों में आकर मुझे सताता था। कब आया था वो तुम्हारे सपनों में? ये मैं तुझे क्यों बताऊं, ये मेरी और उसकी आपस की बात है। ये सब कब से चल रहा है? रात दिन सपनों में यही चल रहा है, सोते जागते हर वक्त। I don't know. बस जब भी उसे देखती हूँ खामोश हो जाती हूँ, मुझे भी नहीं पता मेरा मन मेरे पास है या उसके। क्यों प्रिया, अब भी तेरा मन उसके पास ही है? बता। 100%। आंटी, उसका भूत तुम पर सवार हो गया है। शैतान कहीं का। दिखने में कैसा है वो? उसमें इतने गुण हैं कि आप सबको क्या बताऊं? जब वो बात करता है जैसे ज्ञान से भरी हो, उसका मुंह देखती हूँ तो लगता है जैसे मंद मन मुस्कुराते हुए नन्हे कृष्ण जी हो, और दिल का एकदम साफ, बहुत अच्छा लड़का। लुक जेंटलमैन, हमारे कॉलेज के कैंपस में आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो या लॉ, इन सब सेक्शंस में आपको कृष्णा नाम के बहुत से लड़के मिलेंगे। आप कृष्णा नाम के सभी लड़कों को बुलाइए, हम उनमें से पहचान लेंगे। नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, वो सब VIPs के लड़के हैं, अगर मैंने उन सबको बुलाया तो मेरे कॉलेज का नाम खराब होगा, ये मेरे कॉलेज की इज्जत का सवाल है। सर, कृष्णा चाहे कोई भी हो, हमारा उससे मिलना जरूरी है। सर, हम लोगों को कृष्णा की जानकारी चाहिए थी, हमारा उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल नहीं था, कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। It's okay. अच्छा, हम चलते हैं। नमस्कार। थैंक यू। क्या कर रहे हैं आप? सीधे सीधे प्रिया से ही पूछना था कि तू किससे प्यार करती है, फिर उसके हाथ पैर तोड़ देते हम। प्रिया क्या सोचेगी हमारे बारे में, हमारे प्यार पर से उसका भरोसा उठ जाएगा। अरे उसके भरोसे को मारो गोली, हमें कृष्णा को ढूंढना जरूरी है। प्यार से समझा बुझा कर उससे पूछ लेंगे, फिर उसके बाद क्या करना है वो सोचेंगे। चलो। तो कुछ भी बोल प्रिया, ये जो तूने सब कुछ बता दिया है, ये भी कभी सोचा है तूने कि इसका अंजाम क्या होगा? क्या होने वाला है मैंने नहीं सोचा, मगर 100 झूठ बोलने से एक सच बोलना अच्छा है, जो होगा देखा जाएगा। सच कहना अच्छा तो है, लेकिन इसके कारण तू बुरी बन गई, उसका क्या? मैं सच बोल के बुरी बनी? अगर बाद में पता चलता तो भाई चुप रह के छोड़ देते। समझ में आया?
अच्छा अभी तू जो झूठ पे झूठ बोले जा रही है, आगे जाकर ये सब बातें तेरे गले पड़ जाएंगी। प्रिया तू एक बार और सोच ले। इसमें सोचने वाली क्या बात है, जो उस भगवान की मर्जी है मैं वैसे ही तो कर रही हूँ, वो मुझे बीच में नहीं छोड़ेंगे। That's all. Oh my God, तुझे कोई नहीं समझ सकता। हेलो स्नेहा, मैं प्रिया का भाई बोल रहा हूँ। प्रिया वहाँ है क्या? पता चला? 5 बजे कॉलेज छूटा था, उसी समय वो चली गई थी, उसने ये कहा। 5 बजे कॉलेज छूटा और अब 9 बज रहे हैं, अभी तक वो घर क्यों नहीं आई? अब मैं क्या करूं, वो लेट हो गई, इसमें मुझे क्या पता? पता नहीं आज इतना लेट क्यों हो गई, मुझे तो फिक्र हो रही है। क्या हुआ प्रिया, तुम लेट क्यों हो गई? भैया बारिश आ गई। तो तुम बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी? हाँ, या प्रिया 5 बजे कॉलेज छूट जाता है, तुम इतनी देर कहाँ थी? भैया मैं कृष्णा के डांस क्लास में गई थी। ओहो, तो तुम कृष्णा के डांस क्लास में उसके साथ डांस करने गई थी, है ना? यही कहने वाली हो ना तुम? बहुत अच्छी बात है ये तो। प्रिया क्या हुआ भैया? ऊपर जाकर कपड़े बदलो, बाल सुखाओ और आराम करो। ओके ओके भैया। क्या भैया, वो कृष्णा के डांस क्लास में गई थी और आपने कुछ भी नहीं कहा? तुम चुप करो, भैया को सब मालूम है। भैया जानते हैं कि वो कहाँ कहाँ गई थी, कृष्णा के साथ डांस क्लास में गई थी या कहीं और गई थी, भैया जानते हैं क्या? भैया हेलो आंटी। क्यों बंद रहो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और कोई जगह नहीं मिली? नहीं मिली। बच्चे लोगों का काम है खेलना, जाओ जाकर खेलो। यहाँ क्या कर रहे हो तुम सब लोग? आप कहाँ गई थी, इतनी देर क्यों हो गई? फोन क्यों नहीं किया? क्या काम था? अच्छा मुझसे सवाल? नहीं हमें जवाब चाहिए। मैं तो कृष्णा से मिलने गई थी। वहाँ क्या हो रहा था और आपको क्या मिला, बताओ ना हमें। बातों बातों में प्यार हो गया, नजरें मिली प्यार हो गया। पर तुम इतने नाराज क्यों हो? तुम्हारी राह देखते देखते तो मैं थक गया हूँ। वो तो मुझे भी लग रहा है। तो फिर बताओ इतनी लेट क्यों आई? तुम्हें परेशान देखकर मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लेकिन जनाब का मुंह क्यों फूला है? ओ अच्छा, तो तुम मेरे बारे में भी सोचती हो? हाँ। अरे बाबा इतना घुमा फिरा कर क्यों बातें कर रहे हो, जरा गुस्सा छोड़ो और प्यार से देखो हम तुम्हें कितना चाहते हैं। उसके बाद क्या पता कृष्णा ने इतना मुंह क्यों फुलाया था। तुमसे बात करने का मतलब है बहुत बड़ा गुनाह करना, तुमसे तो मुझे बात नहीं करनी चाहिए। हाँ मुझे भी पता है। चल अब जल्दी कर, एक मुझे पप्पी दे दे। हाँ अभी तो क्या पप्पी, प्यार करने के लिए जगह और वक्त देखने की जरूरत नहीं होती मैडम। चलो अभी जल्दी से पप्पी दे दे मुझे। अब मेरी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ए, अरे कोई और देखेगा तो क्या सोचेगा? लोगों से बचा कर ये आंखें मुझे दे दो, फिर देखो कैसे चुरा लेता हूँ। मारी शर्म की, मेरा सर ही झुक गया था इसलिए वहाँ से चली आई। दीदी फिर उसके बाद क्या हुआ बताइए ना। इतने में उसने मेरे गालों को छुआ। जल्दी बताओ ना, क्लाइमेक्स में कुछ चेंज आया उसके बाद? इतने में चिड़िया की आवाज आई। ये क्या कर रहे हो? पप्पी की बात सुनकर तो हमें चक्कर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 2 3 4 5 6 7 8। मिस्टर कृष्णा, आपकी तारीफ। आई एम कृष्णा। भैया हमारी प्रिया ऐसे कृष्णा से प्यार नहीं कर सकती, ये तो बदरंगा लग रहा है, इसका तो कोई रंग भी नहीं दिख रहा है, ये तो ना लड़का दिख रहा है ना लड़की दिख रहा है। भैया चलो चलो, यहाँ टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं, चलो। ए, कौन है आप? बाहर लेडीज का बोर्ड नहीं दिखाई दिया, यहाँ कैसे आ गए आप? हा? दिखाई देता है ना, बोर्ड दिखाई दिया तो अंदर कैसे आ गए? यहाँ लड़कियाँ हैं, इन्हें देखने के बहाने से आए हो क्या? देखो भाई हम वैसे आदमी नहीं है, हम भूल से यहाँ आ गए। ऐसे का क्या मतलब हुआ, ये विधानसभा या पार्क है क्या? देखो भाई
हम कह रहे हैं ना कि हम गलती से यहाँ आ गए, हम अपनी बहन को तलाश करते हुए यहाँ आ गए थे। भूल से आने का मतलब क्या हुआ? ये क्या पुलिस चौकी है? मेरे पास भी दिमाग है। तुम लोगों को क्या लगा कि मैं बेवकूफ हूँ? तुम कुछ भी बोलोगे मैं मान लूंगा? नहीं, मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा, समझे? समझ गए भैया, सॉरी। तुम अपनी क्लास चलाओ। तुम सॉरी बोलोगे तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? इम्पॉसिबल। हाँ, तुम जानते हो जब मैं इंग्लिश में बात करता हूँ तो एक ही बात करता हूँ, सॉरी। एक्सक्यूज मी सर। यस, आपका नाम क्या है? आई एम कृष्णा। अरे क्या दिमाग खराब हो गया है? मार क्यों रहे हो? हे, अगर नाम कृष्णा है तो अपने आप को क्या बंसी बजाने वाला कृष्णा समझता है? हाँ, चलो भैया। इस शहर में रहने वाले सभी लोगों को मैं पहचानता हूँ। देख लूंगा तुझे। हे, मुझे ए, मुझे मुझे भी छोटा मैं छोटा इसका मतलब ये है क्या? हाँ, मेरी बहन है। कैच कैच मुझे भी मुझे भी कैच डोरा। ए, पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया कैच। ये लोग कैच। हे, उठ, मेरे घर के सामने क्यों घूमता है? हाँ, तुम गाड़ी ठीक से नहीं चला सकते क्या? सुन बे, एक तो मेरे घर की औरतों को छेड़ता है, ऊपर से जबान भी लगाता है। पृथ्वी, तुम्हारा नाम कृष्णा है क्या? सर, मैं तो बाइक मैकेनिक हूँ सर, मैं तो ट्रायल ले रहा था बाइक का और इन्होंने मेरे को बेकार में मार दिया। चलो जाओ। ओके सर। कृष्णा है कैसा ये मालूम कैसे चलेगा? ये जीतने से क्या मिलेगा? ये कप एक सर्टिफिकेट देगा उसे और उसे घर पे रखकर उसकी पूजा कर बात करता है। अपने कैश देते तो अच्छा होता, कप क्या क्या करेंगे? पैसा मिलता तो उसे एंजॉय करते, मस्ती करते, खूब मजा करते। तुम लोग तो भीगी बिल्ली हो, हमारा राजा तो सुपर चैंपियन है, उसके आते ही सब लोगों की छुट्टी हो जाती है, समझे? तेरा कृष्णा क्या है उसके सामने? हे, तेरे साथ राजा है तो मेरे पास कृष्णा है। कृष्णा हर बार जैसे जीतता है इस बार भी जीतेगा, समझा? कोई आ रहा है? आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसी रेस नहीं देखी होगी। ये भी कोई रेस है? अरे मैं अपने समय में हर रेस में फर्स्ट आता था, कई बार मुझे लोगों ने हराना चाहा लेकिन हर बार उनकी कोशिश नाकाम रही। वो तो मुझे मालूम है, आपकी जितनी तारीफ करो वो कम है। कृष्णा 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 कृष्णा। क्या हुआ, गिर गए क्या? हाँ, छूट गई। तुम्हारी उम्र है गिरने की और हमारी उम्र है हाथ पकड़ने की। हाथ पकड़ने की यही उम्र होती है ना? सबके सामने हाथ पकड़ने की भी यही उम्र है। आजकल के लड़कों पर मुझे भरोसा नहीं है, आज हाथ पकड़ेंगे कल पति और फिर। मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कुछ। शट अप। तुम जैसे लोफर लोगों से मैं बात करना पसंद नहीं करती। ओके कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हाय कृष्णा कृष्णा। हाय हेलो सर। हेलो बेबी। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हाय। हे, जो पहले आते हैं उन्हें हराने का डर भी रहता है, जो लास्ट में आते हैं उसे जीतने का भरोसा होता है। ये एक्सपीरियंस हमारे कॉलेज का एक्सपीरियंस। ए, तेरा तो डब्बा एक्सप्रेस है, वो आ रहा है राजधानी एक्सप्रेस। कृष्णा 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 कृष्णा। बात करता है यहाँ पे। हाँ, कृष्णा एक बात बताओ, ये सब करने में थोड़ा रिस्क होता होगा ना? सर, लाइफ में रिस्क नहीं होता है तो लाइफ का मजा नहीं होता। सर, आपने भी तो टीचर से प्यार करके रिश्ता, और आपकी इसी बहादुरी को देखते हुए मुझे भी आपसे एक ही चीज कहनी है कि मैं आपको बहादुरी का अवार्ड देना चाहता हूँ ऐसी बहादुरी के लिए। सर, चलेगा ना? नॉटी बॉय, कैरी ऑन पपी, कैरी ऑन।
ए भाई, अपने वो कॉलेज के वार्डन कितने खूबसूरत है ना। सचमुच यार, अपने वार्डन कितने खूबसूरत है। तू सही कह रहा है, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। स्वीट, कॉलेज कैंपस में सिगरेट पीना नॉट अलाउड। सरकार जो कानून बनाती है सबके लिए होता है, वो में भी पीना मना है। बस स्टैंड पे पीना मना है। रेलवे स्टेशन पे सिगरेट पीना कानूनन जुर्म है। चल अभी सिगरेट दे इधर। कॉलेज में सरस्वती होती है, सरस्वती यानी भगवान। तुम्हारा मतलब है कि भगवान यहाँ देखने आ रहे हैं क्या? Shut up! Stupid! सॉरी सर, हम लोगों को माफ कर दो सर। सॉरी सर, हम लोग कसम खाते हैं सर, हमसे ऐसे गलती नहीं होगी सर। सॉरी सर, हमसे गलती हो गई सर। सॉरी सर, सरकारी कानून को तुम लोगों ने सॉरी सर तोड़ा। तुम लोग कुछ भी कहो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ऐसा फिर कभी नहीं होगा सर। सॉरी सर, सॉरी सर, हमने आपको कभी नहीं। मेरा अपमान करते समय तुम लोगों को ये सब याद नहीं था? सर मैं माफ कर दीजिए। नहीं सर, नहीं सर, प्लीज सर, सर प्लीज आपको माफ कर दो सर। हमको सर प्लीज सर एक बार माफ कर दीजिए सर। प्लीज सर माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए सर। नो, इम्पॉसिबल। तुम सबको सस्पेंड करो। पहली बार हुआ है सर, और आखिरी बार। हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। माफ कर दीजिए सर, प्लीज सर। गलती हो गई सर। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आपको छोड़ेंगे। अरे छोड़ो मुझे। अरे क्या सर, बोलो श्री कृष्ण भगवान की, बोलो श्री कृष्ण भगवान की, बोलो श्री कृष्ण भगवान की, बोलो श्री कृष्ण भगवान की। शांत रहो, शांत रहो। मेरी तुम लोगों को हर वक्त जरूरत पड़ेगी तो कुछ भी कहोगे। बताओ काम क्या है भाई? प्रिंसिपल ने हम लोगों को सस्पेंड कर दिया। तुम लोगों ने भी ऐसा कुछ किया होगा? क्या किया तुम लोगों ने आखिर? हमने ऐसा क्या कर दिया, प्रिंसिपल की पोल तो नहीं खोली। इसमें जरूर तुम लोगों की गलती होगी, प्रिंसिपल ऐसा वैसा आदमी नहीं। गुरु अब कुछ तो जुगाड़ करो यार। सच्चाई का साथ देता हूँ। कृष्णा तुम कब से सच्चाई समझने लगे? कृष्णा ये तुम्हें शोभा नहीं देता। कृष्णा भाई, प्रिंसिपल बोलता है कि अपने माँ बाप को कॉलेज में बुलाओ। जब तक हम अपने माँ बाप को कॉलेज में नहीं बुलाएंगे, वो हमारा सस्पेंड ऑर्डर कैंसिल नहीं तो करेगा। क्या हुआ बोलो ना, सच्चाई क्या है? अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, श्री रामन, ये सब लोग को शाबाशी देंगे, क्या बोलते हो? तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है? हाँ ये हमारी प्रॉब्लम है। अब कैसे भी करके हमारी इज्जत बचा लो यार।
ए, एक काम करते हैं, क्या? क्या हम फिल्म सिटी जाकर दो अच्छे एक्टरों को पकड़ कर लाते हैं, वही तुम लोगों के माँ बाप का रोल करेंगे, प्रॉब्लम क्या है? सर, सर, आज सुबह आपने जिन बदमाश लड़कों को सस्पेंड किया था उनके लिए कृष्णा फिल्म सिटी से एक्टर बुलवा रहा है जो कि उनके माँ बाप बनकर आपके सामने आएंगे और आप ये सोचेंगे कि वो उनके असली माँ बाप हैं और वो इतने बदमाश लड़के हैं कि अब आपको भी बेवकूफ बनाने से बाज नहीं है। शुक्रिया आपकी इस जानकारी के लिए। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय बाय। नहीं नहीं ज्यादा कुछ नहीं, बस यही। अरे इतनी रात हो गई, तुम अब तक सोए नहीं हो? चलो जाओ सो जाओ। डैडी 15 दिन बाद एग्जाम आने वाले हैं ना, इसलिए मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। इस बार 85% मार्क्स लेके आऊंगा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। कीप इट अप माय बॉय, कीप इट अप। थैंक यू डैडी, थैंक यू। ये कौन आ गया? हेलो हेलो चंद्रशेखर। हाँ बोल रहा हूँ। तुम्हारे पापा को फोन दिया। डैडी। हाँ आपका फोन। हेलो सर, मैं प्रिंसिपल के सेक्रेटरी मंजुला बोल रही हूँ। यस। आपके बेटे के अटेंडेंस बहुत ही कम है, वो तो क्लास में बैठता ही नहीं है। ओह आई सी। और जब तक पेरेंट्स नहीं आएंगे तब तक उसे एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, ऐसा प्रिंसिपल ने कहा है। आई सी। ओके सर। ओके आई विल कम। बेटा जरा ये चप्पल तो उठा कर देना। दो तो मैं बताता हूँ। बदमाश कॉलेज नहीं जाना है। अपने बाप से झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हो अपने बाप से। चलो चलो कल तुम्हारे कॉलेज आता हूँ, फिर वहाँ तुम्हारे प्रिंसिपल के सामने तुम्हें पीटूंगा, तब जाकर अकल आएगी तुम्हें। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं। मेरा बेटा वैसे तो शरीफ है, हाँ पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, क्या करे उसकी अकल ही नहीं चलती। पम्मी ये सब है डम्मी। अच्छा जरा अपना नाम बताएंगे? मैं हूँ चंद्रशेखर, बैंक मैनेजर, कैनरा बैंक। चंद्रशेखर। और आप? मैं द्वारका स्टील कंपनी का प्रोप्राइटर हूँ, नागराज का बाप। नागराज जी हैं। और आप? मेरा नाम है वल्लभ प्रसाद सोमनाथ शर्मा, पिताजी का नाम सोमनाथ चंद्रनाथ शर्मा, दादा का नाम चंद्रनाथ शर्मा। नहीं देखो एक बात है, मैंने सिर्फ तुम्हारा नाम पूछा है, पूरे गांव का नाम नहीं पूछा है। What do you mean? मेरा मतलब है ये सब नाटक है, ये तुम्हें पता है ना, है ना? Shut up! You shut up! तुम लोग कलाकार हो, नाटक में काम करते हो या फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हो, और कला की तुम लोगों की नजरों में कोई भी इज्जत नहीं है। 4 पैसे के लिए तुम किसी के भी माँ बाप बन जाते सर, हो। वो हमारे असली माँ बाप है सर। ए, तुम चुप रहो रास्कल। 9 महीने तक तुम्हारी माँ ने तुम्हें पेट में रखा और तुम इस भिखारी को अपना बाप बनाकर यहाँ ले आए हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मिस्टर दयाशंकर माइंड योर लैंग्वेज। अरे लैंग्वेज तुम संभालो, तुम लोग सब नाटक वाले हो ना, अपना डायलॉग याद करके आए हो, वही काम करो, यहाँ क्या रखा है? आई एम द प्रिंसिपल एंड शी इज द लेक्चरर, डोंट टीच अस। सर 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 बात तो सुनिए, तुम्हारा मतलब हम इनके बाप नहीं है? नो नॉट एट ऑल। सोच कर बोलो। तुम सोच के बोलो, अपना भविष्य देखो। हमारे भविष्य की बात करते हो, तुम्हारे भविष्य का देखो क्या करता हूँ। हेलो मैं चंद्रशेखर बोल रहा हूँ। बोलो चंद्रशेखर, तुमने अपने कॉलेज में कैसे कैसे लोगों को प्रिंसिपल बना रखा है? क्या हुआ, क्यों ऐसा कह रहे हो? तुम्हारे प्रिंसिपल को तमीज नहीं है, हम सबको यहाँ बुलाया और बुलाने के बाद हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, मुझे भिखारी बोलता है। आज के बाद तुम्हारी कॉलेज को मैं कोई डोनेशन नहीं दूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे बुरा नहीं मानते, जरा प्रिंसिपल को फोन देना। ये लो ट्रस्टी तुमसे बात करना चाहते हैं। पम्मी अब नाटक कंपनी का चेयरमैन आया है। हेलो प्रिंसिपल दयाशंकर जी, ये सब क्या चल रहा है? मैं एचआर रंगना बोल रहा हूँ। अरे रंगना हो या भंगना हो तू बोल। हे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा, मैं कॉलेज का चेयरमैन हूँ। अच्छा तू चेयरमैन है तो अपनी चेयर पे बैठ, मैं अपनी चेयर पे बैठा हूँ, तू क्यों बकवास? शट अप।
सर, अगर तू मुझसे बदतमीजी कर रहा है तो पेरेंट्स से जरूर बदतमीजी करता होगा। सर ये तो आप ही हैं। नो मोर फर्दर एक्सप्लेनेशन। सुन, सस्पेंड किए हुए विद्यार्थियों को वापस कॉलेज में लेना है अभी के अभी, और तुम अभी से सस्पेंड हो। सर क्या हुआ सर, कि मुझे लगा ये सब नाटक है सर, इसीलिए सर मुझसे गलती हो गई सर। बहुत हो गया, आई एम गोइंग टू डिसमिस यू। डैम इट सर, इन कॉलेज प्रिंसिपल्स को कैसे तमीज से पेश आना ये भी सिखाना पड़ेगा। डैम इट, ये कॉलेज बंद करवा कर छोड़ेंगे, इडियट्स। ए मिस्टर, आपने मेरी गाड़ी के सामने गाड़ी क्यों खड़ी की? अरे चलना। ए, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? तेरा भाई मुझे मार रहा था, तू हंस रही थी ना? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हेल्प मी, छोड़ो मुझे। चुपचाप बैठे अंदर। हे चल ले बाहर, बाहर छोड़ो मुझे। ए पकड़ो, चल ले, जल्दी पकड़ो। ओहो, जोर से पेशाब आ रही है। झाड़ी के पीछे कर लेता हूँ, कोई देख नहीं रहा है। Help me! Help me! एक मिनट इधर मत आओ। रुक जाओ, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, वहीं पर रुक जाओ। Help me! अरे यहाँ मत आओ। अरे यहाँ शांति से पीछा भी नहीं करने देती, क्या रहे, कौन है तू? प्लीज मेरी मदद कीजिए। अरे मदद करने का ये भी कोई वक्त है? ओहो, कहीं शांति नहीं। हेलो, हेलो मैडम। गई। ए, फिल्म का हीरो मत समझ खुद को, वरना तेरे चेहरे का नक्शा बदल दूंगा। चल वटले। सर तुमको लड़की चाहिए? हाँ। ओह, लेके जाओ ना इसे, लेके जाओ। सर एक अबला नारी पर अत्याचार हो रहा है, ऐसे में मैं शांत कैसे रह सकता हूँ? तुम्हें बताओ ये सही है? अरे रे 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 रे, आपकी उंगली देखकर मैं डर गया, और इतने आदमियों को देखकर मैं डर गया। आप मुझे मारने वाले हैं क्या? मुझे जाना चाहिए यहाँ से, मुझे जाना चाहिए। सही है। मैं चलता हूँ। Oh,
मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया, अब मुझे थैंक यू तो बोलो। थैंक यू। हेलो हीरो, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अच्छा चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। बस यही थोड़ा सा आगे। थैंक यू वेरी मच। बाय। आपका नाम? कृष्णा। कृष्णा। अरे अंकिता जल्दी खाना खा बेटा। हाँ माँ जल्दी खा रही हूँ। ओहो नाश्ता तो करो, टिफिन सामने रखा है बेटा, टिफिन खाली करो जल्दी। गोपी नाश्ता करने आ जाओ। आ रहा हूँ। अरे बैठो बैठो बैठो, नाश्ता तो करके जाओ ना। मैं लेट हो जाऊंगा बाबा। अच्छा मैं लेके पहुंचता हूँ। ये दोनों तो हमेशा झगड़ते हैं। अरे बाबा थोड़ा गुस्सा करेंगे फिर थोड़ा सोचेंगे, सोडे की तरह है, थोड़ी देर में गुस्सा ठंडा हो जाएगा। हाँ हेलो मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ, फिर ऑफिस में आके मैं बात करता हूँ आपसे, ठीक है? चलो तुम अंदर जाके तैयार हो जाओ। गोपी ए गोपी, अरे नाश्ता तो कर ले। आ रहा हूँ एक मिनट एक मिनट। कृष्णा फोन उठाना जरा। हेलो क्या कह रहे हैं आप? अच्छा 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 ठीक है ठीक है। भाभी ये हॉस्टल है या घर है? ऑटो की तरह तुम्हारे पीछे भागना पड़ता है कि नाश्ता कर लो, क्या चल रहा है ये सब? अरे भाभी तुम्हें अपना ख्याल रखना नहीं आता। गांव से फोन आया था। फोन तो आने के लिए होता है और फोन आते रहते हैं। तुम बैठो और बैठकर नाश्ता कर लो, मैं कॉफी लाती हूं। पर भाभी वो बैठकर नाश्ता करो, कुछ बोलना भी टेंशन है। कमाल है। सुनो मेरी शर्ट किधर रखी है, मिल नहीं रही है? वहीं पर रखी है, ले नहीं सकते? बहुत ही ज्यादा बिजी है भैया आजकल, भाभी से ही सारे काम करवाते रहते हैं, खुद कुछ नहीं करने को होता है उनको, इसके बीच में तो मैं लटक गया। ये तो स्त्री भी नहीं की हुई है। काम मिलने के बाद तुम इतने बिजी हो जाओगे ये हमें नहीं मालूम था कि नाश्ता तक बैठकर नहीं कर पाओगे। देखो तुम्हारी वजह से मेरा काफी समय नुकसान हो गया है, अब ऑफिस में जाके मुझे सब कुछ झेलना पड़ेगा। फालतू टाइम में नहीं करती, ये लो कपड़े पहनो, मैं गोपी को कॉफी देके आती हूं। ठीक है मामा। अरे भाभी तुम्हारे वो सुनो मेरी बात, सबसे पहले कॉफी पी लो फिर मुझे बताओ क्या हुआ। सुबह सुबह टेंशन लेना अच्छा नहीं होता है। हाँ अब मुझे बताओ क्या हुआ। तुम्हारे पिताजी को हार्ट अटैक आया है। हाँ? हे भगवान। हाँ, और वो गांव के हॉस्पिटल में एडमिट है बस। हे भगवान सुनते हो जी? हाँ मैंने सब सुन लिया। इतनी सीरियस बात और अब तू मुझे बता रहा है? अरे भाभी आपके पास तो वक्त ही नहीं है, कब से कह रही है कि शांति से बात करो। हे भगवान तुम्हारी अकल कहाँ गई? मामा मामा स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, स्कूल के कपड़े उतारो और घर के कपड़े पहनो, तुम्हारे नाना की तबीयत खराब है वो हॉस्पिटल में। तो अभी हमें गाँव जाना पड़ेगा? मेरे पापा ने मुझे रानी के जैसे रखा, कभी कोई काम नहीं करने दिया, मुझ पर कभी कोई मुसीबत नहीं आने दी, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं काम कर करके थक गई हूँ, मुझे मेरे लिए भी टाइम नहीं है। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मैं अपने पापा की सेवा भी नहीं कर पा रही हूँ। अरे भाभी अभी तक टिकट कहाँ आई है, ऊपर कहाँ गए हैं वो? चुप करो, इतनी अपशगुन बात मत करो। सुनो जी मैं जा रही हूँ। अच्छा ये सुनो, ये कुछ पैसे रखो और वहाँ पहुँच के मुझे फोन करना, ठीक है? और अपना ध्यान रखना, ठीक है? घर का ध्यान रखना। हाँ हाँ देखो भाभी ठीक से जाना और संभल कर जाना, ओके? मैं ठीक रहूंगी, तुम संभाल के रहना, तुम इधर उधर फालतू मत घूमना, टाइम पर खाना खा लेना, जल्दी घर आ जाना, संभल कर जाना, ओके? पापा वाह थैंक यू। एक्सक्यूज मी यार, मैं बोले तो तेरा नाम पता कुछ भी तो होगा, अगर नहीं बताओ तो यहाँ से चले जाओ। मैं दयाशंकर हूँ,
तुम जिस कॉलेज में पढ़ते थे मैं उस कॉलेज का प्रिंसिपल था। hey! तू पहले इस कॉलेज का प्रिंसिपल था, अभी तू यहाँ सस्पेंड हो गया है, समझा क्या? मेरा नसीब खराब है। अरे तुम्हें तो सब सच्चाई पता है, मेरा काम मुझे वापस दिला दो कृष्णा। ये मेरे बस की बात नहीं है प्रिंसिपल। अरे ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते? ये तुम्हारे लिए कुछ करेगा तो तुम बदले में इसके लिए क्या करोगे? तुम जो भी कहोगे मैं करूँगा, फिलहाल मेरी हेल्प कर दो। देखिए मैं हेल्प तो कर दूंगा आपकी, लेकिन गिव एंड टेक पॉलिसी होनी चाहिए, एक हाथ से दो और एक हाथ से लो। जैसे कि मान लो कि हम सुई है और आप एक कपड़ा, अगर सुई कपड़े पे गिरती है तो फिर दर्द किसको होता है? कपड़े को ही होगा ना, समझ गए ना आप? हम कभी भी बंक कर सकते हैं, कभी भी टाइम पे बरार नहीं आ सकते हैं, आपको सब कुछ संभाल लेना होगा, बदले में हम आपको संभाल लेंगे, कैसा होगा? ठीक है, जितना भी मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा तुम्हारे लिए। आप होशियार हैं, बहुत ही समझदार हैं, हमें आपकी शर्तें मंजूर है, नो प्रॉब्लम, डन। हेलो चेयरमैन रंगनाथ हियर। अपन भाई बोल रहे है। किसके भाई, कहां से बोल रहे हो? अपन अंडरवर्ल्ड से बात कर रहे है। माँ बाप ने नाम रखा है कि नहीं? अपन गुंडा कल्लू कालिया बोल रहे है। क्या कालिया जी बोल रहे हैं? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं, आवाज थोड़ी बदली हुई है ना, खराश है शायद। हाँ बोलिए सर, क्या है? क्या कॉलेज में तूने प्रिंसिपल को सस्पेंड किया क्या रे? बता मुझे बता। उसमें ऐसा है कि वो नहीं ये नहीं, अगर तूने प्रिंसिपल को वापस नहीं रखा तो कॉलेज जाते जाते मैं तेरे लड़के को किडनैप करवा लूंगा, समझ गया? तू समझदार है, समझ ले। समझ गया सर, समझ गया, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा सर। ओके अच्छा, गुड नाइट, नमस्कार सर। ये अंडरवर्ल्ड को नंबर किसने दिया यार? जरूर उस प्रिंसिपल ने दिया होगा। लीजिए कॉफी। आ रख दो। आपके चरण कहाँ सर? अच्छा मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई सर। अरे अरे नहीं नहीं, प्रिंसिपल अगली बोर्ड मीटिंग में तुम्हारा प्रमोशन करवा दूंगा। हाँ सब कुछ भूल जाओ और कल के कल कॉलेज अटेंड करना शुरू कर दो। सर आपका एहसान है सर। एहसान तो तुम कर रहे हो मुझ पर। कैसे हो गया? अरे अरे भाभी जी, ये क्या भाभी जी, मैंने जरा सा डांट क्या दिया, आप तो घर छोड़कर निकल रही हैं। घर नहीं छोड़ रही हूँ, ये सामान है लगेज के साथ ले जा रही। अच्छा ये बात है, छोड़िए सामान मुझे दे दीजिए, लगेज आप रख लीजिए, छोड़िए छोड़िए। अरे सर ये क्या कर रहे हैं सर आप, ये मेरा सामान है। नहीं नहीं सामान मेरा है, तुम्हारा माल मेरा माल, तुम अपना लगेज संभालो। सुनिए चेयरमैन साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे क्या पता सर आप ये क्या कर रहे हैं, सामान को ठिकाने लगा दिया। सर कॉफी पी के? नहीं नहीं कॉफी नहीं पीनी है। अच्छा प्रिंसिपल कल सही समय पर कॉलेज आ जाना। हाँ आ जाऊंगा सर। और वो वाली बात याद मत रखना। वो कौन? हाँ वो ही। हाँ 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 किसी को नहीं बताऊंगा। अच्छा चलता हूँ। वो कौन है यार, कौन है? तुमको नहीं मालूम तो मुझे कहाँ से मालूम होगा। कृष्णा उसी की लीला है। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे आप यहाँ कैसे? नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, क्या काम है? वो कृष्ण से मिलना है। ठीक है सर। दिखने में तो मवाई लगता है, कृष्णा का दोस्त है। एक्सक्यूज मी। नमस्कार सर। तुम कौन हो? वो मैं वो अच्छा, मैं मेरे भाई से मिलने आए हो? हाँ सर। अच्छा अच्छा तो फिर ठीक है, बैठ जाओ शांति से। ठीक है। देखने में तो चोर लगता है मेरे भाई का दोस्त, जाने कहाँ कहाँ से आ जाओ।
उठाता हूँ। अरे सुनो सुनो, तुम्हें क्या चाहिए? वो आइए। अच्छा पानी चाहिए तुम्हें? हाँ बिल्कुल ठीक है, अंदर है, ले लो ले लो। ठीक है ठीक है ठीक है सर, भून दो। पानी अंदर है। वाह वाह, जान बची आज तो, मैं फंसते फंसते बच गया है ना। अगर ऐसे दो तीन घर और मिल जाए तो मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। अब देखता हूँ क्या करना है। अरे ये टीवी कहाँ लेके जा रहे हो? हाँ सर, हाँ सर। टीवी मैकेनिक हो क्या? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। इसे नहीं चल रहा है, जरा बराबर देखो, हाँ बराबर देखो इसको। भाई को तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। अरे जल्दी जाकर जल्दी लेकर आना, ठीक है? समझ गए ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ए ये टीवी किधर लेके जा रहे हो? रिपेयरिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए। बोले तुम्हें ज़्यादा दिन रखना मत और जल्दी बना के ला, सब कुछ चेक कर लेना, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, जाओ। और देखो संभाल के लेके जाना। हाँ ले जाऊंगा, संभाल के ले जाऊंगा। जाएगा तो जवाबदारी कौन लेगा इधर? जल्दी से उतरो, एक तो टाइम पर गाड़ी नहीं मिलती। जाओ तुम अंदर जाके कपड़े चेंज कर लो। तुम आ गए हो, पिताजी कैसे हैं? हाँ उनको क्या हुआ है, वो तो खा पी कर मस्त है। क्या बात कर रही हो? पर उनकी टिकट तो कंफर्म हो गई थी ना। हार्ट अटैक का मतलब तुम्हें मालूम है ना, पागल जैसी बात कर दो। अरे टीवी रिपेयरिंग के लिए दे दिया? हाँ, मैंने नहीं दिया, तुम्हारे देवर ने दिया होगा। अरे रे रे, मैंने नहीं दिया है, भाई का दोस्त आया था वही लेकर गया। मेरा दोस्त? तो फिर क्या मैंने? दिमाग ठीक है तेरा, चढ़ा कर आए हो क्या? मैंने कब दिया? अरे इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? आप ही ने तो दिया था, आप ही का दोस्त था। हाय हाय हाय, चोर घर का सामान चोरी करके चला भी गया और तुम दोनों को पता भी नहीं चला। मैंने टीवी इंस्टॉलमेंट पर लिया था, अभी तक उसका इंस्टॉलमेंट भर रही हूँ। कैसे कैसे करके मैंने टीवी खरीदा था, अब मैं कहाँ से लाऊंगी? हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? हे भगवान, तुम दोनों को शांति मिल गई ना? वो इतना टेंशन क्यों ले रही हो, पुलिस कंप्लेन कर देते हैं अभी। किसके नाम पे कंप्लेन दोगे? अब तक तो चोर टीवी बेचकर हजम भी कर गया होगा। तो अब क्या करेंगे हम? अब मेरी बात गौर से सुनो, इससे पहले कि घर का सारा सामान चले जाए तुम दोनों सुधर जाओ। सबसे पहले तुम दोनों एक दूसरे पर विश्वास करो, ऊपर वाले ने भी ये सब कुछ मेरे नसीब में लिखा है, मेरा ही नसीब खराब है ना। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? अरे ये छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ता है। प्यार करेगा तभी तो मैं इज्जत दूंगा ना। देखो 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 फिर कैसी बात कर रही है, कुछ कम नहीं। इस जन्म में तुम दोनों नहीं सुधरोगे, मम्मी मेरे ही नसीब में है। मम्मी मम्मी मुझे कपड़े नहीं मिल रहे, कपड़े नहीं मिल रहे, मुझे टीवी नहीं मिल रहा, इन दोनों का दिमाग खराब हो गया है। चलो चलो, चे। हेलो पिंकी। हेलो हेलो, हाय पिंकी। हाय, सॉरी। ए पहले धक्का देती हो फिर सॉरी बोलती है, खुद को क्या कॉलेज की महारानी समझती है क्या? जैसा चाहेगी वैसा करेगी है? राजा, माइंड योर लैंग्वेज, जो मुंह में आए वो बका मत करो। तू क्या कर लेगी? ओहो, तो कृष्णा से जाके मेरी शिकायत करेगी। एक काम कर, तू मेरे गले लग जा, फिर मैं तुझे माफ कर दूंगा। राजा, चल चल आजा, जल्दी आ जा। हेलो राजा, हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारे कॉलेज की लड़की पे कोई हाथ लगाए तो हम उसे नहीं छोड़ते, पर अगर हम ही उसे बुरी नजर से देखे तो उसे कौन बचाए? हे तू क्या लड़की का बॉडीगार्ड है क्या, या रेट फिक्स करने वाला ब्रोकर है तू? परमिशन के बिना पुलिस भी कॉलेज में अंदर नहीं आती है, तुम जैसे टपोरी कॉलेज के कैंपस को खराब कर देते हैं, समझ गए? एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन अगर वो हाथ उठाना जानता है तो शमशान तक पहुंचाना हम भी जानते हैं। चलो पिंकी। तू जिसे ढूंढ रहा था वही है ना ये? हेलो
एक मिनट। हेलो, क्या हुआ भाई? मेरे कॉलेज में कृष्णा नाम का लड़का है जो मेरे काम में बहुत दखल अंदाजी करता है। उसे इस दुनिया से मिटाना है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, खाली उसके हाथ पैर तोड़ डालो, बाकी मैं देख लूंगा। हाथ पैर के बिना वो साला भीख मांगने के लायक भी नहीं रहेगा। अब तू ही बता, क्या फायदा हाथ पैर तोड़ के उसके? कोई बात नहीं, मेरी आंखों के सामने जिंदगी भर भीख मांगता रहेगा। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। भाई पैसा किधर भेजूं? जब उसके हाथ पैर तोड़ देंगे तब बताऊंगा। ज़ूबी डार्लिंग, भाभी, ओफो, किधर हो भाभी? क्या हुआ गोपी? अरे क्या भाभी, हमेशा मूड खराब रखती हो। आओ एक काम करो, यहाँ बैठ जाओ मेरे साथ। हाथ छोड़ मेरा, कभी भी देखो मजाक करता रहता है। अरे भाभी तुमने तो कहा था कभी कोई प्रॉब्लम हो, टेंशन में अगर हो तो हंसते रहो। बैठो बैठो और गाना सुनाओ। गाना कैसे सुनाओ, अंकिता की तबीयत कितनी खराब है। पिंकी, पिंकी, पिंकी। बुखार में इतना तड़प रही है और घर में कोई नहीं था। भाभी इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। भाभी आप घर पर ही रुकिए, मैं जाता हूँ। नहीं मैं भी आती। अभी अगर आप आएंगी तो भाई को टेंशन हो जाएगा, आप यहीं रहिए। अरे गोपी संभाल कर जाना। घबराने की कोई बात नहीं है, इंजेक्शन मैंने दे दिया है, सब ठीक हो जाएगा। भाई आखिर बात क्या है? तू ही है ना कृष्णा? हाँ मैं ही हूँ। तू कॉलेज में पढ़ने जाता है या टपोरी गिरी करने? पर मैंने क्या किया है? तू कॉलेज में राजा के सारे कामों में टांग क्यों उड़ाता है? ज्यादा मस्ती चढ़ी है? देखिए भाई साहब, ये हमारे कॉलेज की बात है, आप बीच में मत पड़िए। ये देखकर देखिए बच्ची डर रही है, मैं इसे घर छोड़कर आता हूँ, फिर हम लोग बात कर लेंगे। ए, अपन लोग इतना पागल नहीं है कि तेरी बातों में आ जाएगा, समझा क्या? बच्ची का बहाना करके तू भाग जाएगा, हम लोग को तू एड़ा समझ के रखेला है क्या? देखो मुझे आधे घंटे का टाइम दे दो, मैं घर जाकर वापस आ जाऊंगा। ए भाई तू इसके बातों में मत आ भाई। अगर नहीं आया तो? कृष्णा जब कोई बात बोलता है तो उससे पूरी भी करता। तेरे को एक घंटे का टाइम देता हूँ, अगर एक घंटे में तू मेरी आंखों के सामने नहीं आया तो ये मुस्तफा तुझे तेरे घर से उठाकर तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। क्या हुआ सुधा, थोड़ी भी समझदारी नहीं तुम्हारे अंदर, तुमने बच्ची को उसके साथ भेज दिया है? कौन से डॉक्टर के पास गया मुझे सब मालूम है। हाँ हाँ हाँ, गोपी, गोपी डॉक्टर ने क्या बोला? सब कुछ ठीक है, इंजेक्शन दे दिया है, कल तक बुखार उतर जाएगा। हाँ। कुछ पी ले, थोड़ी देर सो जा, थोड़ा सा आराम कर ले, ठीक है? ओ मैं कुछ भूल गया। क्या हुआ? अरे भाभी मेडिकल से दवाई लाना भूल गया। तो क्या हुआ, तुम यही रुको, कल सवेरे लेकर आना। मैं जाकर मेडिकल से दवाई लेकर आता हूँ। जल्दी आना चाचा। क्या भाई, जब वो मिला तब उसको छोड़ दिया, अभी वो नहीं आएगा, चूना लगा के गया हुआ हम लोग को है? मारना चाहिए था तब उसको, तब तो मारा नहीं है?
अभी वो कभी नहीं आएगा। सलीम, मेरा नाम सुन के लोग गांव छोड़ देते हैं, मेरे छोड़ने के बाद भी तू वापस यहां आ गया। जिगर वाला है तू, तेरे जैसे दो तीन जिगर वाले और भी रहे तो 100 को भारी पड़ सकते हैं। आज की दुनिया में तुम जैसे जिगर वालों की ही जीत होती है, क्या समझे? तुम्हारी हिम्मत को मैं सलाम करता हूं। खुदा हाफिज। हेलो भाई, मैं राज बोल रहा हूँ। काम हो गया क्या? देखो राजा, तुम उसके मारने के बाद दिमाग से निकाल दो, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अगर मैं उसको मारूंगा तो खुदा भी मुझे माफ नहीं करेगा। भाई मेरी बात सुनो। मुझे दो, क्या है, क्या गड़बड़ है ये सब? अंकल, प्रिया जिससे प्यार करती है वो ये है। अच्छा, क्या रे पैसा पैसा करता है तू? हैं, कृष्णा आके पैसे देगा तेरे को? चार पैसे दे। ए, ए, कहाँ है रे कृष्णा? क्या काम है? ए, ज्यादा होशियारी नहीं। जो पूछा उसका जवाब दो। ये बताओ तुमको कौन सा कृष्णा चाहिए, महाभारत वाला या टीवी सीरियल वाला? या जो बाथरूम साफ करता है वो कृष्णा चाहिए? टेनिस कोच का कृष्णा चाहिए तो वो भी शूटिंग कर रहा होगा। मजाक कर रहा ना? नहीं, सीरियस हूँ। तेरी तोप। ए मिस्टर, हम लोग कॉलेज के लड़के हैं, हमसे पंगा लेगा तो बहुत भारी पड़ेगा तेरे को, समझा? तो हे डार्लिंग, क्या आजकल हमसे बात नहीं करती हो, बहुत चुप चुप रहती हो। चाचा तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं, कोई आया था क्या? हाँ हाँ। कौन आया था? अंकिता। हाँ चलो रूम में जाके। भाभी वो डर गई होगी ना, जरा प्यार से बोलो। कोई बात नहीं, चलो। मम्मी मेरा हाथ छोड़ो। चाचा आज सवेरे तीन आदमी आए थे। तीन आदमी? हम लोग रिश्ता लेकर आए हैं। रिश्ता? मैं कुछ समझा नहीं। ये मेरा छोटा भाई है, हम दोनों की शादी हो गई है, हमको तीन तीन बच्चे भी हैं। इसकी शादी नहीं हुई इसलिए इसका रिश्ता लेकर आए हैं हम। लेकिन हमारे घर में ऐसा कोई नहीं है जो शादी के योग्य हो। तुम तो हो ना। उम्र थोड़ी ज्यादा है लेकिन मैं शादी कर लूंगा। जबान संभाल कर बात करो, ये तुम्हारी माँ के समान है। किसी की भी नियत खराब हो सकती है, ये देखने में है ही इतनी सुंदर, इससे शादी करना चाहता है मेरा भाई। डैडी, अरे देख ये क्या हो रहा है, संभाल के। क्या बात है, पूछ रहा है ना? बताता हूँ मैं, तेरी औरत पे मेरे भाई ने नजर डाली तो तुझे इतना बुरा लगा। हम तीनों भाइयों की एक ही लाडली बहन है और उस पर तेरे भाई कृष्णा ने नजर डाली है, इसलिए हमें भी गुस्सा आया। मेरे भाई ने क्या कहा? डाउट है, मेरी बहन से प्यार करता है तेरा भाई। अब तुम बोलोगे कि दोनों की प्यार करने की उम्र है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, करने दो, लेकिन हम लोग दोनों के प्यार को कैसे मान लें? हम लोग शरीफ है इसलिए लिहाज कर रहे हैं, वरना तेरे भाई की आंखें नोचनी होती अब तक। जाने दे, बच्ची डर रही है, बहुत हो गया। ए, आगे तुझे क्या करना है ये तू
समझ ही चुका होगा। मेरे घर पर मेरे भाई को डरा कर आया है। ए, अपनी हद में रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे घर पर तू जाकर ऐसा करता रहेगा तो मैं भी यही करता रहूंगा, समझ गए? कौन है तू? मैं कृष्णा हूँ, गोपाल कृष्ण। गोकुल अष्टमी के दिन तू क्या मक्खन खाने आया? तुझे तो सारे गांव में ढूंढते फिर रहे थे हम तेरे दांत तोड़ने को। तू क्या मेरा दांत तोड़ेगा? मैं नहीं था तब मेरे घर पे जाकर मेरे भाई और भाभी के इंसल्ट की तुम लोगों ने? हाँ, मेरे दांत तोड़ने आए थे? मैं तुम लोगों के गले काटूंगा और तुम्हारे सर उड़ा दूंगा। इस गोपाल कृष्णन का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, दम तो आजमा कर देख लो। ए, तेरे सामने चुपचाप गर्दन झुका देने वाले सीधे साधे बकरे नहीं है, हम सर काट देते। आज गोकुल अष्टमी है, आज तूने मेरे घर में पैर रखा है। देख, सामने पूजा की तैयारी भी है, तेरा नसीब बहुत अच्छा है। अरे भाई, तेरे घर में आकर मेरे भाई ने तेरी भाभी को बुरी नजर से क्या देखा कि तुझे इतना बुरा लगा? और हम लोगों ने जिस लड़की को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तू उसे प्यार सिखा रहा है तो हम लोगों को कितना बुरा लगेगा? यहाँ आने से पहले तूने सोचा क्या? क्या कहा तुमने? मैंने प्यार किया? किससे किया? चिड़िया इधर आओ, क्या तुम इससे प्यार करती हो? बोलो। कभी मैंने तुझे रोक के बात की क्या? मैंने कभी लव लेटर दिया क्या? पार्क में ले जाकर बातचीत की क्या तुमसे? क्या मैंने कभी तुम्हें आई लव यू कहा? नहीं नहीं ना, तो फिर इन लोगों के सामने झूठ क्यों बोला तुमने? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरे भाइयों ने मेरे लिए जो रिश्ता देखा है वो मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने झूठ बोला। हवा, कोर्ट में जाके भगवत गीता पे हाथ रखे तो भी कोई इतना झूठ नहीं बोलता है। तूने बचने के लिए पवित्र प्यार को बदनाम किया। तुझे प्यार का मतलब भी मालूम है? प्यार किसे कहते हैं ये तुझे पता भी है क्या? प्यार बोलने से नहीं अपने आप होता है, प्यार तो एक पूजा होती है, प्यार मन का विश्वास होता है। इसने बचने के लिए तो झूठ बोला, लेकिन तुम लोगों के कान क्या बहरे हो गए थे या फिर घास चरने गए थे? बताओ बताओ मुझे, तुम लोगों ने मुझ पर शक क्यों किया? घर पर आकर मेरे भैया मेरे भाभी को डराने का तुम लोगों को क्या हक है? क्या हक है तुम लोगों को? इस बात को यहीं पर खत्म कर दो, यही अच्छा होगा तुम लोगों के लिए, वरना अंजाम बुरा होगा। इसी तरह से मूर्ति बनाकर तुम लोगों को यहीं पर गाड़ दूंगा, वो भी जिंदा, समझ गए? कृष्णा अच्छे के लिए अच्छा होता है, लेकिन बुरे को कृष्णा कभी नहीं बख्शता। कृष्णा को अगर झुकाने की कोशिश की तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। परसों मेरे भाइयों ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, मैं उनकी बहन हूँ।
मेरे भाइयों ने मेरा रिश्ता तय किया था, लेकिन मुझे कृष्णा से प्यार था, इसलिए कि मैंने कृष्णा से प्यार किया। मैंने ये बात झूठ बोली थी, इस बात से आपको दुख होगा, मुझे मालूम नहीं था। उस झूठ से इतनी बड़ी बात हो जाएगी, मुझे नहीं पता था। अच्छा तो घाव पे मरहम लगाने आई हो तुम यहाँ पर? हाँ? क्या हमारे मरने के बाद बोलने वाली थी तुम ये सब सच्चाई? प्लीज कृष्णा, ऐसा मत कहो। मेरी इस नादानी की वजह से आप लोगों को जो तकलीफ हुई मैं अच्छे से जानती हूँ, पर मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज कृष्णा, मुझे माफ कर दो। कृष्णा, सॉरी कृष्णा, भगवान के लिए मेरी बात सुनो। प्लीज कृष्णा, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। नो, आई एम सॉरी। मेरी बात तो सुनो। तो इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। श्री कृष्णा गोपाल की जय हो। अरे भाई, आज रिवर्स गियर कैसे लग गया? आए हो तो जरूर कुछ बात होगी। क्यों बोलो? गुरु, अपने हीरो को तो रंग ही उड़ गया है। तो तेरा क्या बुरा किया उसमें? गुरु, उसका चेहरा तो देखो, शाहरुख खान शिवाजी बिस्मिल्लाह खान जैसा दिख रहा है। उसकी शक्ल ही कुछ ऐसी है। तुम्हें पता है वो आत्महत्या करने वाला था, उसने डिसाइड कर लिया था। ये सुन, अपना हाथ दे। जिंदगी में तूने कौन सा अच्छा काम किया? कुछ करना, कुछ करना। अच्छा बता, तेरी प्रॉब्लम क्या है? चल बोल। यार, मैं पिंकी से प्यार करता हूँ, ये सबको मालूम है। अरे इसमें कौन सी नई बात है? नहीं, वो प्यार नहीं करेगी तो चलेगा, है? मेरे साथ पिक्चर नहीं आएगी तो चलेगा, वो मेरे साथ होटल में नहीं आएगी तो भी चलेगा, वो मेरे साथ बाइक में नहीं बैठेगी तो भी चलेगा। तो फिर क्या करेगा? वो मेरे साथ सिर्फ एक रात। शी शी शी, ये मैं नहीं कर सकता। अरे सुन ना यार, मैं वो सब नहीं कह रहा हूँ, मुझे उसके साथ एक रात खाना खाना बस। तू उसके लिए ये सब नाटक कर रहा है? यार मेरा मेरा इतना काम तो कर दे, मैं जिंदगी भर तेरा उपकार नहीं भूलूंगा। अच्छा अच्छा, मैं तेरे पैर भूलूंगा। करता हूँ, चल ठीक है, उठ जा। लाइफ में कुछ चेंज चाहिए। हाँ रे, मजा तो करना ही चाहिए। पिंकी, हाय कृष्णा, तुम लोग चलो, मैं अभी आती हूँ। ओके बाय। इस ड्रेस में तो बहुत ही अच्छी लग रही है। रियली? आज के बाद अगर तुम्हारी नजर मेरे ऊपर रहेगी तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। पिंकी, मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। वो जगदीश है ना, वो तो ना धरती पर एक बोझ है, मुझे उसकी कोई बात नहीं सुननी। अपनी बात करो ना। उसकी कुछ भी बातें करो तो तुमको इतना गुस्सा क्यों आता है? क्या करे, उसका बेचारे का दिल ही कुछ ऐसा है। लेकिन तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, जाने दो ना। उसे लगता है कि पिंकी, अगर तुम एक बार उसका साथ दे दो, सिर्फ एक बार तो। हाँ? वो अगर मेरे सामने आ जाए और मुझसे कुछ कहना तो चप्पल से मारूंगी। तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, बस उसको तुम्हारे साथ खाना खाना है। उसको खाना खाना है? इम्पॉसिबल। मरने वाले को बस जीने की आस होती है, और जीने वाले को बस तुम्हारे साथ एक बार खाना खाने की आस होती है, फिर रहने की आस होती है। क्या हुआ है उसके साथ जो वो मरने वाला है? ऐसे थर्ड क्लास इंसान के लिए मेरे दिल में कोई प्यार नहीं है। छी, तू दिल इतना खराब क्यों कर रही हो? वो हमारे जैसा इंसान है। मुन्ना भाई MBBS में देखा नहीं था कि मरने वाले को कैसे एक बार आखिरी इच्छा थी कि डांस देख ले, वैसे एक बार वो तुम्हारे साथ, बस एक बार तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता है। जाओ ना उसके साथ। देखो, अगर कोई दूसरी बात होती तो उसे मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट करना भी तो एक अच्छी बात मानी जाती है, थोड़ा सपोर्ट कर दो उसे। पुलिस स्टेशन में भी गुनेगार को उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है और फिर उसके बाद ही उसे मारा जाता है। जाने दो, छोड़ दो पिंकी, ये सब तुमसे नहीं होगा। दोस्त, आई एम सॉरी भाई। पिंकी, कृष्णा, वन सेकंड। ठीक है,
मैं तैयार हूँ। कब, कहाँ, कितने बजे, बोलो। ये तुम उससे पूछकर ही बताना। पर पिंकी सुनो, ये बात उसे मालूम नहीं पड़नी चाहिए, कभी नहीं। क्यों? बेचारा कल मरने वाला आज ही मर जाएगा। ओह बेचारा, ठीक है मैं नहीं बताऊंगी। ठीक कहा। ओके थैंक यू, बाय बाय। चीयर्स। आह क्या आइडिया था तुम्हारा यार, बहुत मस्त, कमाल का था। अबे भोंदू, उसे पटाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, आसान था। हेलो। हाय जगा, आओ अंदर आओ ना। मैं होटल जाने की सोच ही रही थी, लेकिन सोचा कि मेरे हाथ का खाना खिला दूं तुम्हें तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने ये सोचा। ठीक है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, मैं अभी आई। ठीक है। ए जगा, वहाँ क्या कर रहे हो, आओ ना। ओहो हो हो, बैठो, मैंने तुम्हारे लिए तंदूरी चिकन बनाया है, अच्छा है ना? अच्छा नहीं लगेगा तो अभी खाना पड़ेगा। पिंकी, ये सब तुमने बनाया है? हाँ, मैंने अपने हाथों से बनाया है और सिर्फ तुम्हारे लिए। वैसे तुम ज्यादा तीखा तो नहीं खाते ना? ए वेटर, ये क्या है? कबाब सर। अबे ये कबाब है? अबे बोटी ला, कलेजा ला, गुर्दा फ्राई ला, भेजा फ्राई ला, अबे ये सब ला, ये मत ला, जा ले जा इसको। अबे इडियट, वो सब फुटपाथ पर बनता है, अपनी औकात मत दिखा यहाँ पर। ए लाला दे दे। अच्छा बना है ना? अच्छा अच्छा। ए, क्या कर रहा है तू? ए, तूने क्या जादू कर दिया रे? अरे कमाल का खाना, हम लोग तो एंजॉय कर रहे हैं यार। ए, जरा कृष्णा को फोन देना। देता हूँ। क्या हुआ जंगा? कृष्णा बता क्या कर रहा है तू? पिंकी के साथ में ना डिनर कर रहा हूँ। ओके ओके एंजॉय कर। कृष्णा मैं तेरा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा, मरते दम तक याद रखूंगा यार, मरते दम तक याद रखूंगा, तू मेरा सच्चा दोस्त है यार। चलो फोन रखता हूं। अच्छा अच्छा समझ गया। ओके ओके आ जाए दोस्तों, जो तुम लोगों को खाना है, जो कुछ भी पीना है पियो, बिल वो आकर देने वाला है, समझ गए ना? हां खाओ। अरे सुन ना यार, मैं एक भेजा फ्राई मंगाऊं क्या? एक उसका टाइम अच्छा है जो वो पिंकी के साथ बैठा है, तुम लोगों का टाइम बुरा है, तुम लोग आज यहाँ पर बैठकर बियर पी रहे ला है। पियो। ए, ये क्या गिरा दिया? छोटे बच्चों की तरह करते हो। रुको मैं खिलाती हूँ, तुम्हें तो खाना भी नहीं आता। रुको मैं खिलाती हूँ, लो लो ना। एक मिनट। क्या हुआ जंगा? यार वो मुझे अपने हाथ से आइसक्रीम खिला रही है यार, मैं कभी नहीं भूलूंगा यार, थैंक्स। ऐसी कोई बात नहीं है, तू बस सेपरेट पार्टी कर। ओके 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 कृष्णा। क्या पेपर बनाया उसको? ठीक है जल्दी आना। पिंकी पिंकी, खुशी के वक्त तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, तुम खाओ, लो ना। नहीं, जब तक तुम नहीं बताओगे मैं नहीं खाऊंगा। इस दो दिन में तुम मरने वाले हो, ये सुनकर मैं कैसे खुश रहूंगी? क्या मैं मरने वाला हूँ? हाँ। क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हें एड्स है और तुम मरने वाले हो एड्स से। कौन बोला तुझे? मुझे एड्स है? कृष्णा तुम्हारी आखिरी इच्छा थी कि तुम्हें मेरे साथ खाना खाना है, इसलिए तो मैंने खाने पर बुलाया। हेलो हेलो दोस्त, कैसे है तू? अरे बहुत मजा गया यार, बहुत मजा आया। अभी बिल आ गया, बिल देने के लिए आ जा, तू जल्दी जल्दी आ जा, आ जा। कृष्णा किधर है? अरे इधर ही गया, अभी आ जाएगा, टॉयलेट के लिए गया है। झूठे मक्कार, क्या मुझे एड्स है? सब जगह तुमने बता दिया कि मैं मरने वाला हूँ। एड्स है? क्या बोल रहा है तू? क्या तुझे एड्स हो गया है? अरे क्या बात कर रहा है, देख टेंशन मत ले, तू जल्दी आके यहाँ बिल बिल कर दे। बिल तो मैं नहीं देने वाला, चल फोन रख, फोन रख, चल। क्या हुआ, क्या बोल रहा था? पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। मुझे एड्स है बोल रहा है। जगह कूल डाउन, जाने भी दो ना। ओके अरे जगह ने तो बिल कौन भरेगा?
देखो अभी कृष्णा आएंगे वो बिल देंगे। कृष्णा? कृष्णा क्या देगा, वो तो भाग गया। क्या कृष्णा चला गया? पहलवान गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो तुम सब? प्यार के चक्कर में इतना मार खाना पड़ा, इससे अच्छा होता कि प्यार ही नहीं होता। मेरे बाथरूम में जाके आने तक तुम सब कहाँ गायब हो गए थे बताओ क्या मुझे बोला? क्या पैसा कम पड़ गया था क्या मेरे दोस्त? अरे इतना मारा, इतना मारा कि हमारा वोल्टेज ही कम हो गया। हेलो, क्या मुझे एड्स है? मैं दो दिन में मरने वाला हूँ क्या? वो तुम ऐसा झूठ बोलोगे, मैंने सोचा भी नहीं था। मैडम एक मिनट, वो मरेगा, मैंने बस इतना ही झूठ बोला। मैंने किसी का घर नहीं उजाड़ा या मैंने किसी का घर तोड़ा नहीं है। तुझे उसके साथ खाना खाना था और तूने कितनी जिद की थी। तूने मुझसे कहा था ना तुझे इसके साथ खाना खाना है, और जब मैंने कोशिश की तो ये भी पलट रही है। नहीं, मुझे उस पे दया आ गई थी, समझ गए? वो दया नहीं थी, वो प्यार था। पहले तू इसे गाली देती थी, नफरत करती थी। जब तुझे मालूम पड़ा कि ये दो दिन में मरने वाला है, तब तूने इसको घर बुलाकर खाना खिलाया। इसे बोलते हैं प्यार, सच्चा प्यार। दो दिल जब मिलते हैं तो उसे प्यार कहते हैं। जोर जबरदस्ती से प्यार नहीं होता, जब दो दिल मिलते हैं तब प्यार होता है। प्यार दो दिनों का पवित्र मिलन होता है। मैं जगह से प्यार कैसे कर सकती हूँ? अगर सब ऐसा ही सोचें तो कभी किसी को मोहब्बत नहीं होगी। अगर अपने दिल से चाहें तभी सच्चा प्यार होगा। इसने तुम्हें अपने दिल में जगह दी, और अपने आप से भी ज्यादा प्यार इसने तुमसे किया। अब तुम भी अपने दिल से एक बात पूछो कि क्या तुम इस लड़के से सच्चा प्यार कर सकती हो? प्यार एक बहुत ही अच्छी चीज होती है, इसे महसूस करना सीखो। अगर वक्त बर्बाद किया तो शायद दोबारा वक्त ना मिले। दिल से सोच कर देखो। एक लड़की होकर मैं नहीं समझ पाई। तुझे एक बात बतानी है मुझे, प्यार के मामले में मुझे भी एक ऐसी लड़की चाहिए। लड़के प्यार के मामले में तो बहुत ही आगे होते हैं, लेकिन प्यार का इजहार करने में सबसे पीछे होते हैं। लड़के सिग्नल तोड़ने में भी पीछे नहीं हटते हैं, और जानबूझकर ट्रैफिक के सारे रूल तोड़ते हैं, पर प्यार को कभी नीचे नहीं गिराते। मतलब समझ रही हो ना? इसके दिल में तुम्हारे लिए बहुत जगह है, जाओ अपना प्यार का इजहार करो। गुड लक। कृष्णा गोपी की जय। कृष्णा गोपी की जय। कृष्णा गोपी की जय। ये अपने कॉलेज में आज इतना डिसिप्लिन क्यों है, समझ में नहीं आ रहा है। तू हट रहे यहाँ से। क्या हुआ? तू जिसके साथ रहता है उसी की बात करता है। अरे सच बात हो तो बोलूंगा ना। नमस्ते सर। क्या ये? सर हम दोनों शादी करना चाहते हैं सर, आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। क्यों सर? तू हट यहाँ से। सुनो, इन सब बच्चों की शादी हो जाएगी, हमारी शादी कब होगी? अरे आज की शादी कब की हो चुकी है आपको मालूम है? बेटा तेरी शादी में आके तुझे जरूर आशीर्वाद दूंगा। थैंक यू सर। मैं नहीं पढ़ना। ए बेटी इसको लेके जा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अरे रुक 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 बस रुक। अरे आ गया आ गया। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस यू। हाय हाय कैसी हो? थैंक यू। हेलो जगह कहाँ है? वो कहाँ है? अरे वो देखो आ रहा है। हाय बुला रही है। हाय हाउ आर यू? ए प्रिया किधर है? प्रिया प्रिया वो रही वो रही वो रही वो रही प्रिया। हाँ कांग्रेचुलेशन पिंकी। थैंक यू। बधाई हो चलो तैयारी करते हैं। हाय प्रिया हाउ आर यू? आओ ना। ये ले। चलो ये वाला डालो ना। फेंकना, कितना टाइम लगाता है? मैं उठाती हूँ। अरे ये देखो। क्या है क्या है? अरे बेकार है। अरे ओहो हाँ हाँ सॉरी सॉरी। कार्ड शो रहा है। शो शो क्या है? शो कहाँ हो रहा है बता। ब-
अरे वाह शो चलना यार पिक्चर को चलते हैं आज। हाँ, ठीक खाली था क्लास। कृष्णा कृष्णा अपने प्यार को पाने के लिए मैंने झूठ बोला, यही मेरा गुनाह है। लेकिन हम में से कौन राजा हरिश्चंद्र है जो सत्यवादी हो, कभी झूठ ना बोलता हो? हर एक को झूठ का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ तक कि एक डॉक्टर भी अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए झूठ बोलता है। माँ भी जब बच्चे को खाना खिलाती है तो कहती है, खा लो बेटा, चंदा मामा आएंगे, चंदा मामा आएंगे, तो क्या वो झूठ है? हाँ, इस दुनिया में जीने के लिए तो हर किसी को सच और झूठ का सहारा लेना पड़ता है कृष्णा। कोई भी इंसान केवल सच के सहारे इस दुनिया में नहीं जी सकता। तुम ही बताओ कृष्णा, क्या मेरा एक झूठ बोलना इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि तुम मुझसे इस तरह नफरत करने लगे हो? बताओ कृष्णा। जिस धर्म की तुम बात कर रहे हो कृष्णा, उस धर्म की रक्षा के लिए भी कभी कभी झूठ का ही सहारा लेना पड़ता है। तो मैंने क्या गलत किया कृष्णा? मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से तुमने एक जिद बना ली है। क्या अब तुम ये गलत नहीं कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, यही मेरी गलती है क्या बस? कृष्णा, I love you कृष्णा, I love you। प्रिय लड़की होकर सबके सामने तेरे लिए प्यार का इजहार करती है, तेरे में इतनी भी इंसानियत नहीं है कृष्णा? बोलना, चुप क्यों बैठा है? माना कि तू उससे प्यार नहीं करता, लेकिन वो तो तुझसे प्यार करती है। अरे वो सच्चा प्यार करती है तुझसे, इतना भी तेरे समझ में नहीं आता? तू ऐसा क्यों कर रहा है कृष्णा? उसके भाई लोग उसका रिश्ता तय कर रहे हैं और वो आज भी तेरा इंतजार कर रही है। ऐसे लोग कितने हैं, उनकी मर्जी नहीं थी फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी खराब कर ली। लोग बाद में जाके पछताते हैं। नो, कोई किसी की जिंदगी कभी खराब नहीं कर सकता है, समझ गए? तूने उसके घर पे जाके झगड़ा नहीं किया, अब तू उससे प्यार नहीं करता? नहीं। लेकिन वो तेरी दोस्त है ना? हाँ। तूने उसको गुंडे से बचाया था, ये सही है ना? हाँ बचाया था। जब उसके कपड़े फटे थे तब तूने जैकेट दिया था ना? हाँ दिया था। और जब उसने तुझे जिताया था तो बदले में तूने प्यार जताया था? बोल, तू उसे प्यार करता है कि नहीं? हाँ करता हूँ। कृष्णा, इस दुनिया में आदमी सब कुछ छुपा सकता है लेकिन प्यार नहीं छुपा सकता दोस्त। कृष्णा, जो अपने दिल को पसंद होना उसके खिलाफ कभी हमें नहीं जाना चाहिए। कृष्णा, तू अपने दिल की आवाज सुन, आवाज सुन मेरे दोस्त। गणानांत्वा गणपति गुम हवामहे, प्रियानांत्वा प्रियपति गुम हवामहे, निधिनांत्वा निधिपति गुम हवामहे, वसो मम। अब आप दीजिए यजमान। हाँ पंडित जी। Thank you.
तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ, मेरे एक सवाल का जवाब दो कृष्णा। मैं तुम्हें यहाँ डिस्टर्ब करने नहीं आई हूँ, सिर्फ एक बार मुझसे कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं पूरा जीवन बिता लूंगी, बस एक बार कह दो। प्रिया, मैं कृष्णा, अगर मैं हाथ उठाऊंगा तो तुम में से यहां कोई भी नहीं बचेगा। भैया, प्रिया, तू मुझे गोली मारेगा तो मार, गोली मारना। देख, तेरी गन डर गई कृष्णा से। इस कृष्णा को उड़ाने से पहले हजार बार सोचना पड़ेगा तुझे। आज मरने से पहले ये कृष्णा सच बोलना चाहता है। तूने कहा था कि तेरी बहन के आसपास घूमने वाले को तू उड़ा देगा। तू क्या सच बोलेगा रे? आज के बाद अगर मेरी बहन के आसपास भी दिखा ना तू, तो तुझे इस दुनिया से उठा दूंगा मैं। आज तक मैंने तेरी बहन से कभी प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन आज इसी वक्त से मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे बेइंतहा प्यार करता हूँ, समझ गए? ए, उसके तो आजू बाजू त्रिमूर्ति घूम रहे हैं, तू तो कल से उसे देखेगा भी नहीं। कल से तेरा प्यार सपना होगा। सपना देखना कोई बुरी बात तो नहीं होती है, सपने वही लोग देखते हैं जिनमें हिम्मत होती है, ऐसा मेरा भाई कहता है। आज मैं जो कह रहा हूँ वो कान खोलकर सुन लो। महाभारत में कृष्णा ने जो किया था वो धर्म युद्ध था, और आज ये कृष्णा जो कर रहा वो प्रेम युद्ध है, और इस प्रेम युद्ध में कोई मुझे हरा नहीं सकता, तुम भी नहीं। जाओ यहां से। कृष्णा, 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 भैया, चल, भैया ऐसा मत कीजिए, चल, चल, आज तुझे छोड़ेंगे नहीं, चल, क्योंकि नाक कटवा रही है। That fellow's done nothing but stare at you since we arrived. Excuse me. ए, पिक्चर किसने बंद किया? ये चालू करे। भैया, भाई, भाई, देखो। प्रिया, काम काज छोड़कर तुम पिक्चर देख रही हो? अरे तुझे पिक्चर देखना था हमें बोलती, हम तेरा पूरा अरेंजमेंट कर देते, हमसे छुपा कर आने की क्या जरूरत थी? माना कि तेरी फ्रेंडशिप हो सकती है, लेकिन जिसके साथ तेरी शादी होने वाली है वो क्या सोचेगा? जिससे मेरी मंगनी हुई है वो मेरी मर्जी से नहीं हुई, तो मैं क्यों सोचूं? मेरी शादी होगी तो कृष्णा। प्रिया, हमारी हैसियत कहाँ और इनकी हैसियत कहाँ? जिसके अपने घर में खाने को नहीं वो तुझे खिलाएगा क्या और पहनाएगा क्या? तुझे 3 मीटर की साड़ी तक खरीद के नहीं दे सकता, ये कैसे संभालेगा तुझे? हम लोग कुछ भी करके कमा लेंगे। प्रिया, आज के लड़के 2 ही कारणों से लड़कियों से शादी करते हैं, एक तो लड़की अमीर हो और दूसरे उनसे बच्चे पैदा करो। चलो चलो, तुम चलो, चलो। ए, लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता तू, ये सब बातें जाके घर पे करो। प्यार को क्या समझ रखा है तुमने? प्यार का मजाक मत उड़ाओ। तुम जैसे लोग जबरदस्ती शादी करके शादी के बाद जुल्म करते हो, जिसके घर में शादी कर देते हो वो शादी के बाद दहेज के लिए जुल्म करते हैं। प्यार करने वाले कैसे भी 2 वक्त की रोटी कमाकर खा सकते हैं, उसे ही सच्चा प्यार कहते हैं। ये भी सुन लो, पूरी दुनिया प्यार करने के लिए ही बनी है और प्यार ही के दम पर ये दुनिया टिकी है। ताजमहल देखा है ना, वो भी प्यार की ही निशानी है। सुना तूने, एक भाई को जैसे भाई समझ सकता है
जैसे बहन को बहन समझ सकती है, बच्चों को जैसे माँ बाप समझ सकते हैं, वैसे ही हम जैसे प्यार करने वालों को पूरी दुनिया समझ सकती है, तुम जैसे लोग नहीं। इस दुनिया में प्यार के खातिर लोग अपनी जान दे देते हैं और हम लोग भी इसके लिए पीछे नहीं हटेंगे, समझ लेना ये बात। ऐसे करना चाहिए था। चलो बहुत हो गया, अभी जाओ निकलो यहाँ से। भाई 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 देखो प्रिया आ गई है। प्रिया क्या हुआ भैया? तू ऐसे जा रही है, तेरी नजरों में हम लोगों की कोई इज्जत नहीं है क्या? तेरी आंखों के सामने तेरे भाइयों की बेइज्जती हुई, तुझे तो बहुत अच्छा लगा होगा, तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। इस घर में बरसों पहले बहू बनकर आई औरत आज तक अपने पति का नाम लेने से शर्माती है। तेरी तो मंगनी हो गई है तो भी दूसरे के साथ घूमती है, तुझे शर्म नहीं आई क्या? तुझे हमारी इज्जत की परवाह नहीं है? भैया आप ही तो कहते हैं जो बात बोलनी है हिम्मत से बोलनी चाहिए, कुछ भी करना है तो करने की हिम्मत होनी चाहिए। वाह, वो बिल्कुल सच बोल रही है। बच्चों को गोद में बिठाकर प्यार करते हैं और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो दूसरों से प्यार करने लगते हैं। इतना ही नहीं वो अपने प्यार का इजहार भी करते हैं और वो भी अपने बड़े बुजुर्गों के सामने। वाह प्रिया, तुम्हारे भाइयों का प्यार आज उस पराए मर्द के प्यार के सामने कुछ भी नहीं है ना। भैया आपको जो कुछ भी कहना है मुझसे कहिए, कृष्णा के बारे में एक शब्द भी कहा तो मैं सहन नहीं करूंगी। जबान को लगाम दो। उसे मारने का अधिकार मैंने तुझे नहीं दिया। लेकिन माँ हमारी एक ही तो बहन है, इतने सालों से हमने इसे लक्ष्मी की तरह लाड़ और प्यार से बड़ा किया और हम ये सब उसके भले के लिए कह रहे हैं। इतने सालों में तूने कभी उससे पूछा कि उसे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, और अब तू शादी के लिए भी जबरदस्ती करेगा? क्या समझता है तू अपने आप को? इसका मतलब वो जो कुछ भी कर रहे है वो सही है क्या माँ? सुनो तुम तीनों बहुत अच्छे हो, दूध के धुले हुए हो। हाँ माँ। तुम तीनों भाइयों में एक ही लौती बहन है, उसका भी तुम ख्याल नहीं रख सकते हो तो क्या करोगे? घर में रहेगी तो अपने माँ बाप की सुनेगी, कल शादी हो जाएगी तो अपने ससुराल की सुनेगी, क्या उसके सुनने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे? तुम लोग नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? अगर तुम लोग उसे समझ गए तो उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। भैया मैं कृष्णा से प्यार करती हूँ, ये सच है। मैं जानती हूँ आप उसे पसंद नहीं करते हैं, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आप मेरी मर्जी जानना चाहते हैं तो मुझे इस जायदाद से प्यार नहीं है, मैं उसी से प्यार करती हूँ जो मुझसे प्यार करता है, मेरी दौलत से नहीं। भैया मैंने कभी पिताजी की शक्ल नहीं देखी और मुझे कभी महसूस भी नहीं हुआ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि उनकी कमी महसूस ही नहीं हुई। आप लोग मेरे भाई नहीं, बाप से बढ़कर हैं। सच भैया, अगर आप नहीं चाहेंगे तो मैं उससे शादी नहीं करूंगी, लेकिन आप लोगों ने मेरे लिए जो लड़का देखा है मैं उससे भी शादी नहीं करूंगी, मरते दम तक आपकी बहन कहलाऊंगी। जरा उसे देखो, अपने भाइयों के लिए उसने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया, और तुम लोगों ने क्या किया उसके लिए? उसने अपने भाइयों को भगवान की तरह पूजा और तुम लोगों ने उसके लिए क्या किया? भाई भी भगवान का रूप होता है, कुछ करो। नेक्स्ट पेज। भाई वो कुंतीलाल सेठ आया है, स्टेट एजेंट वाला। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए बैठिए, एक छोटा सा काम है करके जल्दी से आया। हाँ, ठीक है। हाँ, आप चलिए, मैं देता हूँ, बैठिए। अरे सेठ घनश्याम दास जी, जय राम जी की। राम जी की जय। कैसे हो भाई? एकदम फर्स्ट क्लास। बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ, तेरा भाई मुझसे जबरदस्ती जमीन खरीदना चाहता है जो मुझे बेचनी नहीं है, और मुझसे खरीदने के पीछे पड़ा हुआ है। कैसी जगह बताइए?
वो आदर्श नगर वाली जगह 100x200 वही जगह। तेरे को कितनी जगह चाहिए 6x3 फुट मरने के लिए? बाकी की जगह वो हमको दे दे। सुन, मेरी भी ऊंची ऊंची हस्ती से जान पहचान है, धमकी किसको देता है? तुम क्या मेरे को ऐसा वैसा समझते हो? मैं भी पुलिस और पॉलिटिशियन को जेब में रखकर घूमता हूँ, समझे? सेठ, तुम हम लोगों को बहुत गलत समझता है। ओह सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया। सर, ये आपके हाथ में। ए शिवा, पानी लेके क्यों नहीं आए रे? हाँ आया सर, आया। इंसान का खून जल्दी नहीं जाता, वो सब छोड़ी है। शादी की तैयारी कैसी चल रही है? एक ही बहन है, शादी धूमधाम से करेंगे ना? वैसे हम आपसे एक जरूरी बात करने आए थे। हाँ बोलिए बोलिए। वो क्या? ओ अरे बैठिए बैठिए, बताता हूँ। चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दबाजी कर रहा था, ये इसका ही खून है। हाँ बोलिए। बात दरअसल ऐसी है कि प्रिया अपने कॉलेज में कृष्णा से प्यार करती है, कृष्णा नाम है उस लड़के का। खुशी की बात है, खुशी की। जीवन में कोई किसी से प्यार करता है, मैं तेरे भाई से, वो मेरे से प्यार करता है, मैं मेरे बेटे से प्यार करता हूँ, मेरा भाई भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं कुत्ते से भी प्यार करता हूँ, कुत्ता भी मेरे से प्यार करता है। मैं जो कुछ भी बोलता हूँ बिल्कुल सही बोलता हूँ, जो मैंने एक बार बोल दिया वो बदल नहीं सकता मैं, चाहे जान क्यों नहीं चली जाए। इज्जत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन आप हमारी जरा बात समझने की कोशिश। एक मिनट, मैं दिन में एक ही मर्डर करता हूँ, इसलिए तुम लोगों से अच्छे से बात कर रहा हूँ। ओके, अब तुम लोग जा सकते हो। नमस्कार। कृष्णा, कृष्णा, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? मेरी बेइज्जती करने के लिए क्या? जी जी, ऐसा मत बोलो कृष्णा, हमको हमारी गलती के लिए माफ कर दो और हमारी बहन का साथ मत छोड़ो। प्रिया, अपनी बहन के प्यार को हम समझ नहीं पाए, उस खूनी सूर्य प्रकाश के बेटे से हम इसकी शादी नहीं करना चाहते, लेकिन अगर उसको मालूम हुआ तो वो ये शादी नहीं होने देगा। हमारी गलती की सजा इसे मत दो, हम अपनी लाडली बहन की शादी तुम्हारे साथ धूमधाम से करेंगे, तभी हमें शांति मिलेगी। प्लीज। नो! तुमने अपनी बहन के लिए हमारे ऊपर हाथ उठाया और मेरा अपमान किया, और अब बोल रहे हो तुम कि तुम्हारी बहन की शादी मैं अपने भाई से करवा दूं? ये कभी नहीं हो सकता है। मैं मेरी भाभी को मेरी माँ समान समझता हूँ, मैं उन्हें माँ से बढ़कर मानता हूँ। जितना तुम तुम्हारी बहन को प्यार करते हो उतना ही मैं अपनी भाभी और अपने भैया से प्यार करता हूँ। प्रीति जैसे तुम्हारे दिल में बसी है, वैसे ही मेरे भैया भाभी मेरे दिल के मंदिर में बसे हैं। प्रिया, सुनो गोपी, उस दिन उसके भाई लोग इसलिए आए थे कि तुम उससे अलग हो जाओ, वो चाहते थे कि तुम उसे भूल जाओ। अब वो उसे लेके खुद हमारे घर आए हैं, हमारी बहू बनाने के लिए। घर आए हुए मेहमानों की इज्जत करना हमारा फर्ज बनता है, उन लोगों को उनकी गलती का एहसास हो गया है ना? प्यार और मोहब्बत में तो झगड़े होते ही रहते हैं ना? मैंने और तुम्हारे भाई ने प्यार किया है, उसके बाद हमारी शादी हुई है। मुझे कोई पसंद नहीं करता था, मैंने भी बहुत परेशानी झेली है। पिंकी के पैदा होने के बाद सबने अपना गुस्सा थूक दिया, इसके बाद सब ठीक हो गया। ऐसा कोई घर नहीं जहाँ झगड़ा नहीं होता है, झगड़ा तो हर घर में होता है। मेरी बात मानो, गुस्सा थूक दो, यही जिंदगी है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो?
पैर क्यों पड़ रहे हो? आपने हमारी गलती माफ कर दी। आप सचमुच हमारी मां समान हैं। मेरी पत्नी ने तुम सब लोगों को माफ किया। शादी के लिए जो मुहूर्त तय किया है उसी मुहूर्त में शादी होगी। अब ये शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे भाई की पसंद हम सब लोगों की पसंद है। वो जिससे शादी करेगा हम लोग उसको अपनाएंगे बहू की तरह, और शादी का पूरा खर्चा मैं अकेले उठाऊंगा, वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ, और इसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। भैया, मुझे लगता था कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं रखते हो, लेकिन आज मुझे पता चला तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मुझे कितना चाहते हो। हम सब लोगों की पसंद है भैया। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, जो तारीख है उसी पे शादी होगी। क्या ड्राइवर साइड में लो। घर चलो। पापा जी देखो, शादी के कार्ड आ गए हैं, अब आप इसमें से चूज कर सकते हैं कौन सा हमें सेलेक्ट करना है। आप देखिए ना। क्या हुआ भाई, मुझे बताइए ना। बाहर जाके देखो, जिसे हम अपनी बहू बनाना चाह रहे थे उसकी तस्वीर बाहर लगी हुई है सड़कों पे। वो कोई कृष्णा नाम का है, हर सिटी में उसकी तस्वीर लगी है। वो हनीमून के लिए जा रहा है, फोटो के नीचे भी लिखा है। भाई आप चिंता मत करो, वो सब तो भिखारी है, देख लूंगा मैं उनको। वो भिखारी तो है मगर भिखारियों जैसे व्यवहार तो नहीं करता। भिखारियों को भी अपनी इज्जत की परवाह होती है, इससे अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। जाओ कृष्णा को ढूंढ के निकालो, उसने हमारी बनने वाली बहू की तरफ आंख उठा कर देखा है। अगर वो ज्यादा बोलने की कोशिश करे तो उसे वही खत्म कर देना और उसकी फोटो पे माला चढ़ा देना। नाम है। चलो भाई ने बुलाया है। अभी मेरा कॉलेज चालू होगा, जब बंद होगा तब आना, अभी मैं बिजी हूँ। कान खोल कर सुन ले, बहुत होशियार मत बना। प्रिया के बीच में आया ना तो हाथ पैर काट के रख दूंगा, समझा क्या? ये पूछने वाला तू कौन होता है रे? मैं राजा का चाचा हूँ। अगर तू चाचा है तो चाचा बनकर रहे, बाप बनने की कोशिश मत कर, समझ गया? चल निकल यहाँ से। देख उस लड़की का पीछा छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरे परिवार को भी खत्म कर दूंगा और तू भी जान से हाथ धो बैठेगा, समझा क्या? ज्यादा होशियार मत बन, आई समझ में? टाइम वेस्ट कर रहा है तू, मैं समझने वाला नहीं हूँ, समझ गया ना? ये तेरी गलती है। अगर तू समझ रहा है कि मैं तेरी बात मान लूंगा तो तू सबसे बड़ा बेवकूफ है, अपनी खोपड़ी में कुछ नहीं घुसने वाला। अगर तू मुझे प्यार से समझाने आया है तो ठीक है, प्यार से एक बार मैं समझ भी जाऊं, लेकिन गुंडागर्दी करने आया है तो मैं तुझे मारते मारते शमशान भी पहुंचा सकता हूँ। जुबान संभाल। प्रीति से मुझे जुदा करने के सपने तू अपने घर पे जाके देखना, समझे? चाचा प्रीति से मुझे तू तो क्या, तेरा बाप भी जुदा नहीं कर सकता। चल निकल यहाँ से। Ah!
यकीन नहीं हो रहा है क्या? मैंने ही तेरे पिल्लों को मारा है। मैं ही वो कृष्णा। आ जरा बाहर तो आ। कृष्णा मेरा ही नाम है जो प्रिया से प्यार करता है। मेरे आदमियों को मार के मेरे घर पे मुझसे बात कर रहा है। तेरी इतनी हिम्मत? तेरे घर में आने के लिए हिम्मत की नहीं, बस दो पैरों की जरूरत है। तूने मुझे मारने के लिए इन पिल्लों को भेजा था, लेकिन तेरे लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। तू एक गुंडा है तो मैं एक स्टूडेंट हूँ। अगर तू मुझे मारेगा तो हजारों स्टूडेंट मुझे बचाने आ जाएंगे, लेकिन अगर तुझे मारूंगा तो कौन बचाएगा? कृष्णा, भाई से अगर ऐसी बात करेगा तो मैं तेरा सर काट दूंगा। मुझे मारेगा? मुझे काटेगा तू? हाथ लगा के तू दिखा, मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता तू। दस गुंडे हैं, ऐसे गुंडे कितने तेरे पास? 50 है या 100 गुंडे हैं, कितने हैं? ये सब तेरे पैसे के लिए है बस, पर मेरे पास प्यार करने वाले बहुत से हैं। इस देश में प्यार के लिए बहुत हैं जो तेरे इन गुंडों पर भारी पड़ सकते हैं। तू चाहे शादी का जो भी मुहूर्त निकाल, प्रिया तेरी बहू नहीं मेरी बीवी बनेगी और तू देखता रह जाएगा। मैं मारूंगा, तोड़ूंगा, इन सब घटिया बातों का अपने पे असर नहीं होता। ये कृष्णा बात जो बोलता है ना, उसे करके भी दिखाता है। हमेशा याद रखना। भाई, उस कृष्णा ने आपको इतना बोला और आपने चुपचाप सुन लिया? हाँ, मैंने सुना। तू प्रिया को उठाकर यहाँ लेकर आ। अरे आप लोगों ने कुछ जलपान किया कि नहीं? खड़े क्यों हैं? खाइए ना। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन सूर्य प्रकाश जी। थैंक यू वेरी मच। एक यहाँ आइए। ये कृष्णा यहाँ किसी भी हाल में नहीं पहुँचना चाहिए। प्लीज बी केयरफुल। डोंट वरी, हमने पूरी तैयारी की। थैंक यू। एसपी साहब आए हैं। हाँ एसपी साहब, आइए आइए आइए। चारों तरफ एकदम सिक्योरिटी टाइट है ना? हाँ सर, किसी भी अनजान व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। किसी पर शक हो तो उसे पूरी पूछताछ करना। मुझे मालूम है तुम कृष्णा से प्यार करती हो। अगर तूने कुछ किया तो तेरे तीनों भाइयों को खत्म कर डालूंगा। भाई ने बोलकर भेजा है, दिमाग में बैठा ले। हिम्मत से काम लो प्रिया, डरने की कोई बात नहीं। जो प्यार करते हैं वो कभी डरते नहीं है। कृष्णा ने मुझसे वादा किया है, मुझे कृष्णा पर पूरा भरोसा है। वो जरूर आएगा, वो मुझे लेने जरूर आएगा। इसको अंदर मत घुसने देना। तुम्हें ऊपर जाने की परमिशन नहीं है। पर क्यों? तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड है क्या? एएसपी, उसके पास कार्ड हो या नहीं हो, उसको उठाकर बाहर फेंक दो। उसे किसी ने यहां नहीं बुलाया।
किसी के बुलाने ना बुलाने पर नहीं आया, मैं यहाँ किसी को लेने आया हूँ। किसको? जिसके साथ मैं शादी करने वाला हूँ उसको। क्या बोला? जिस लड़की की शादी होने वाली है तू उसको उठाकर ले जाएगा? प्रिया इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है, ये तो अच्छी तरह से जानता है, और मैं उससे प्यार करता हूँ ये भी तुझे मालूम है। इंस्पेक्टर साहब इससे पूछिए। वो तेरे से प्यार करती है, है? मेरी बहू। सूर्य प्रकाश, मैं लड़की से बात करना चाहता हूँ। प्रिया, ए प्रिया, ए प्रिया, ये क्या बोल रहा है कि तू इससे प्यार करती है इसलिए तुझे यहाँ से ले जाने के लिए आया है? तू इससे प्यार करती है? भाई एक मिनट, इसका क्या सुनोगे? ये तो सबके सामने हमारी बेइज्जती कर रहा है, इसे तो मैं देख लूंगा, इसकी इतनी हिम्मत अभी देखता हूँ। चुप चुप। ए कृष्णा, तू मेरे सामने बच्चा है, मेरे पास पैसा है, पुलिस का पावर है, पॉलिटिक्स का पावर है, गुंडा पावर है, आई एम द किंग मेकर, यू नो। तेरे पीछे क्या है जो तू इतना करता है? मैं क्या हूं, मेरी कैपेसिटी क्या है? अगर तू देखना चाहता है ना तो जरा अपनी नजरें उठाकर तो देख ले। अब पता चला तेरे पास कितने गुंडे हैं और मेरे पास कितनी प्यार की फौज है। और सुन ले, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरा पिक्चर जब देखेगा ना तो हिल जाएगा। अगर तेरे पास गुंडे लोगों का सपोर्ट है तो मेरे पास प्यार की ताकत है। मेरे स्टूडेंट्स के सामने तेरे गुंडों की ताकत पानी कम चाय है। एएसपी, ये शक्ति वो शक्ति बोल रहा, पुलिस शक्ति बोल रहा है, ये सब देख के तू चुप है? शूट कर। शूट करेगा? करके बता, तेरे पास जितने पुलिस वाले हैं उससे ज्यादा मेरे पास आदमी हैं। और एक बात अच्छी तरह समझ ले, अगर तूने हम पर गोली चलवाई और मेरा एक भी आदमी जख्मी हुआ तो फिर हम सब मिलकर तुझे ऐसा मजा चखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। एसपी तू खड़ा मुंह क्या देख रहा है? दो चार को गोली मार दे, सब लोग यहाँ से भाग जाएंगे। ए मिस्टर, भागने वाले कुत्ते तेरे पास हैं, प्रेम और विश्वास के सिपाही हमारे पास हैं। हमारे कृष्णा को एक बार बोलने दे, हम तेरे चीथड़े उड़ा देंगे, समझा? तू चिंदी चिंदी कर देंगे तेरे को। ये एसपी, तू कुछ करता है कि मैं कुछ करूं? ये मेरी बंदूक ला रही इधर। सर सर, मैं बात करता हूँ, आप अपने आप को संभालिए। अरे तुम इसको समझाओ, जब लड़की शादी नहीं करना चाहती तो ये कौन होता जबरदस्ती शादी कराने वाला? पुलिस है इसलिए हम चुप बैठे हैं, नहीं तो तेरी हालत खराब कर देंगे। क्यों कृष्णा? उस कृष्णा ने कुरुक्षेत्र में जंग लड़ी थी, ये कृष्णा लड़ेगा तो यहाँ पर लाशें बिछेंगी। हम लोग कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तुम लोगों के जैसे गुंडे नहीं हैं। अगर हम स्टूडेंट्स ने एकजुट होकर अपनी ताकत दिखा दी तो तुम लोग हिल जाओगे। तू इतनी समझदारी की बातें कर रहा है, जरा जाकर देख तेरा बेटा मंडप में है भी या नहीं। भाई राजा तो मंडप में नहीं है। जब तूने प्रिया को अपने घर पर रखा तो मैंने तेरे बेटे को अपने पास, गिव एंड टेक पॉलिसी, अच्छा है ना? एक मिनट सूर्य प्रकाश जी, इनको ताकत दिखाना, बलपूर्वक काम करना कानूनी गुनाह है। यह आपका पारिवारिक मैटर है, इसे पब्लिक इश्यू मत बनाओ प्लीज। लुक मिस्टर कृष्णा, यहाँ पर दंगा फसाद मत करो। अगर लड़की तुम्हारे साथ आना चाहे तो तुम उसे लेकर जा सकते हो। क्या बेटी, तुम इसके साथ जाना चाहोगी? यस सर। गुड लक। ये कृष्णा अच्छे के लिए अच्छा है और बुरे के लिए उसकी मौत का पैगाम। जिसने मेरी इतनी बेइज्जती की, उन दोनों की लाश को चील कौओं को खिला दो, चील कौओं को खिला दो, खत्म कर दो उन्हें।
ए, क्या रे आजा, मारना मुझे, तूने बोला था ना मुझे। भागो, पकड़ो उसे। राजा कहाँ पर है? तुम्हारे साथ नहीं है? वो तो वहां से पहले निकल गए थे। वो हमेशा ऐसा ही करता है। चुप रहो। तूने उसको हाथ पे लगाया तो इसे शूट कर दूंगा। छोड़ दे उसे। शूट करेगा? कर दे, मारना। तुझे बस इतना ही बोलना आता है, मारूंगा, तोड़ूंगा, काटूंगा, बस खून कर दूंगा। ये डायलॉग मुझे बार बार मत बोला कर, बोर हो गया। मार दे उसे, मार, चल मार। मारना है, मारना है सबको। मरने से डर लगता है तो गुंडा क्यों बना है? तेरी गुंडागर्दी पर शर्म आती है।
ए, देखो आ गया। अरे चलो चलो, इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे क्या हाल बना रखा है अपना? अरे क्या पिक्चर देखने गया था? क्या लगी है टी शर्ट? अरे क्या हुआ, मत पूछिए आप लोग। मैं मुहूर्त निकला जा रहा है, चलो जाने दो। हाँ चलो चलो, जल्दी चलो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुनरीकाक्ष मंगला यतनो हरि, इन्हें मंगल सूत्र पहना दीजिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके। बैठ जाओ। मंगल कार्य करते समय उठना नहीं चाहिए। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होना चाहिए। मैंने खराब काम किया इसलिए मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। तुम एक अच्छे लड़के हो, जो करते हो अच्छा ही करते हो, इसलिए तुम्हारे पास अच्छे गुण है। हे कृष्णा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे हर इंसान को कुछ न कुछ आस होती है, उसे कुछ न कुछ करना चाहिए, उसे अपनों को अपने दिल से आशीर्वाद देना चाहिए। चल ले ले, फूल ले लो। ए रवि इधर आ। ले कृष्णा, तुझे मेरा ये आशीर्वाद नहीं, देश की सारी जनता का आशीर्वाद है, समझे? ए भाई ढोल बजा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अरे यहाँ तो थे, कहाँ गए? हाय 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 हाय, जब से देखा तुम्हें तो मेरा दिल ही गया। जाए 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 जाए, मेरे दिल से निकल के जाए, मैं तो